चलिए बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर कर दो हमारी आज की क्लास, क्योंकि कुछ स्पेशल होने वाला है। आप समझ रहे होंगे, मैं आ रहा हूं आज की क्लास में, जो आपकी मांग थी, जो आपकी डिमांड थी। आप खुश हैं ना? हेलो एल्केन की मांग कर रहे थे काफी दिनों से, यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड कर रहे थे क्लास 12th में। तो मैं आप सबके लिए एक खुशी का पल ले आया हूं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई बच्चे बोलते हैं नहीं समझ में आता है सर क्या करें। तो मैं आज बहुत लंबी क्लास ना लेते हुए बहुत छोटी क्लास लूंगा, लेकिन वो सारी चीजें बताऊंगा जिसके बेस पर हमें हेलो एल्केन भी समझ में आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शुरुआत भी हो जाए। तो आप सब खुश हैं कि नहीं? अगर खुश हैं तो बिल्कुल लाइक करके बताएं, और हमारे चैनल को जो बच्चे आज पहली बार आए हुए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, या हो सकता है जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये चलता जाएगा हेलो एल्केन का। अब आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप सिर्फ याद करना चाहते हैं तो मुझे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। स्कूल से थोड़ी अलग और थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आज की पढ़ाई, है ना? तो थोड़ा शुरुआत सरलता से करते हैं। यहां पर शब्द की तरफ चलें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन, हिंदी में कहते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरऑल एक बात आता है कि इसको आसानी से समझा कैसे जाए। तो मैं इधर उधर की बात ना कहूं, अब मैं बच्चों का वेट कर रहा था इसलिए इधर उधर की थोड़ी बात कर रहा था, अब सीधी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। बेटा कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, तब बात आपको भी समझ में आएगा। क्या आप छोटी छोटी चीज जानते हैं? जैसे मैं बात करूं हेलो एल्केन में जाने से पहले, एक बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि क्या आप इसका मतलब जानते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है आप जानते हो? अगर इस चीज को जानते होगे तो इस चीज को भी जानोगे, इस चीज को भी जानोगे। नहीं जानते हो, नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, मैं सिर्फ नाम बताने के लिए नहीं आया हूं, उस चीज को समझाने और सिखाने आया हूं। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। सी पर चार संयोजकताएं होती है और चार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप इस बात को जानते हैं। लेकिन इस जगह पर क्या हुआ है कि सी पर ये जो चार संयोजकताएं होती है, इनमें से तो तीन जगह पर हाइड्रोजन है, लेकिन एक जगह के हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा हुआ है क्लोरीन, है ना? सही है ना? एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। दोनों में क्या बात, इसके बारे में अगर आप जानते हो कि यह क्या है तो आपको बता दूं कि ये मीथेन है। क्या चीज है बेटा? सारे बच्चों को पता है मीथेन है, लेकिन ये क्या चीज है? ये भी मीथेन है, परंतु मीथेन में हाइड्रोजन को एक हटा करके क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाएगा क्लोरो मीथेन। ये क्लोरो मीथेन है, मीथेन क्लोरो मीथेन। अगर मैं क्लोरीन को, जहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व जो आते हैं 17वें ग्रुप में या फिर 7A ग्रुप में, इन तत्वों को कहा जाता है हैलोजन। क्या कहा जाता है आपको पता है? हैलोजन कहा जाता है, इन तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। यहीं से एक शब्द उभर के आता है, खुल के आता है, वो हैलो। हैलो शब्द लिखने का मतलब होता है हैलोजन से बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये इस जगह पर कहलाएगा फ्लोरो, ये कहलाएगा क्लोरो, ये कहलाएगा ब्रोमो, और ये कहलाएगा आयोडो। लेकिन ये है क्या चीज? फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब कार्बन के साथ लग जाता है तब उसके नाम के शुरुआत में जो शब्द होते हैं उस चीज को लिया जाता है। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन से फ्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो, है ना? काफी आसान। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं यहां पर कह दूं कि CH3I है तो इसका मतलब क्या है कि देखिए इस जगह पर तीन H है और एक H को हटा करके I जुड़ा है। किसी ना किसी को हटा करके जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि कार्बन की संयुक्तता तो चार है। अगर मेरे हाथ में एक हाथ में एक बाल्टी पकड़ सकता हूं, दूसरे हाथ में दूसरी बाल्टी पकड़ सकता हूं, तो अगर आपने कहा कि तीन बाल्टी विक्रम सर ने तीन बाल्टी पानी लाए एक साथ अपने हाथों में लेकर के वो तीन बाल्टी पानी लाए, तो कैसे पॉसिबल है? अब बोलोगे सर जुगाड़ पानी, अरे जुगाड़ वाली बात नहीं कर रहा भाई, एकदम डायरेक्ट बात करूं, यहां पे फिर कार्बन में भी जुगाड़ लगवा दोगे आप, तो कार्बन की जुगाड़ के साथ नहीं काम करेगा। कार्बन की चार संयोजकताएं होती है और वो चारों में से पकड़ेगा। तो ये देखिए कार्बन की चार संयोजकताओं को लेकर के, यही एक छोटी छोटी बात है जो हेलो एल्केन की तरफ जाएंगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th का। मुझे एक छोटा सा पोल में जरूर बताइएगा आप सब कि क्या आपने 11th में ठीक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो, समझे हो कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए, तो मैं थोड़ी सी मुझे प्लान करने में मदद मिलेगा कि मैं आपको कैसे और किन चीजों को पढ़ाऊं। अब यहां पर एक तो बात हो गई, तो बेटा एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि इस बात को जानो कि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं तीन तत्वों के बारे में, कार्बन। यहां पर हम क्लास ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन या हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ने वाले हैं। का क्या पढ़ने वाले हैं? हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ने वाले हैं। जब ऐसा करने वाले हैं, जिसको कहते हैं कई बुक्स में यह भी लिखा रहता है हेलो एल्केन लिखा रहता है, तो हेलो एल्केन पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन पढ़ने वाले हैं, हेलो एरीन पढ़ने वाले हैं। जब ये पढ़ने वाले हैं तो कुछ जानकारी हमारे पास इस चैप्टर के लिए हमारे पास होनी चाहिए। वो पहली जानकारी ये है कि इसमें हमें किस किस तत्व कैसे सामना करना पड़ता है। इसमें तत्व होते हैं तीन प्रकार के, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हैलोजन। हैलोजन होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोट कर लो, मैंने पूछा था कुछ क्वेश्चन, नो सर 77% बच्चों ने यह कहा है मुझे, 315 बच्चों में से, कि उन्होंने 11th में ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। नो प्रॉब्लम, सारे दर्द को एक तरफ फेंक दो, दिमाग में कोई टेंशन मत लो, दिल में कोई बोझ मत रखो, सिर्फ याद रखो, कॉपी में लिखो। एक्चुअली एक बात होता है, अक्सर मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली वाले हैं, अक्सर ये पूछते हैं कि उस दिन मैंने तुमको ये कहा था, ये तुमने लिखा, ये तो ये इसको तुमने इतने रुपए दिए थे, इससे तुमने इतने रुपए लिए थे, यहां से ये सामान लाए थे, तुमने वो किया था, तुमने ये वाला क्लास लिया था, वो किया था। अलग अलग बातें होती है हमारी जिंदगी में, तो मुझसे पूछते कि वो वाली चीज कहां है, कैसे करे हो, क्या किए हो, तो मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं एक छोटी सी डायरी में उन चीजों को नोट कर देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा प्रेशर बढ़ते जाएगा, भाई वो मैंने काम किया है कि नहीं, कि मैं भूल जाऊंगा। तो इसी बात को कहता हूं कि मैंने जो जो पढ़ाया आपको वो आपके दिमाग में किस किस हद तक होता है, किस हद तक रहता है, इस बात के लिए आप इस चीज को नोट कर लो। चलो मैं इधर उधर से मैं बोलूं ना बार बार कि हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल देखें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन, इसको कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। ये इतने तत्वों की, इतने ही तत्वों से हम खेलेंगे, और इन तत्वों की एक जानकारी आपको बता दूं कि इनका लुईस डॉट सिंबल को याद रखो, लुईस डॉट सिंबल, इसको संकेत कहते हैं हिंदी में, इसका लुईस डॉट सिंबल कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और हैलोजन के अंतिम कोश में होता है बेटा जी 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता की बात करूंगा तो संयोजकता होगा इसका होगा 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बंध बना सकता है? कॉपी में जरूर नोट करिएगा, मैंने कहा कॉपी में जरूर नोट करिएगा, क्योंकि कॉपी में नोट नहीं तो दिमाग में नहीं। चलो तो ये है, इसमें कितना? 1। इसमें कितनी संयोजकता? 1। मतलब ये 4 बंध बना सकता है, ये 1 बंध बनाएगा और इसमें ये 1 बंध बनाएगा। बस इतने के साथ खेलना है आपको, और इस आधार पर आप चाहे जो बनाना चाहें, कार्बन कार्बन, एक कार्बन वाला कंपाउंड,
दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, एक दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, चार कार्बन वाला, जैसा भी बनाना चाहे बना सकते हैं। बीच में कार्बन कार्बन के बीच में दो तीन बंध भी लगा सकते हैं। तो इसमें यदि मैं कहता हूं कि इसमें एक हैलोजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें भी अगर मान लो एक हैलोजन, देखो एक कार्बन वाला ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक हैलोजन लगा हो, दो हैलोजन लगा हो, तो आप समझ जाओ इसमें तीन हाइड्रोजन होगा, इसमें दो संयोजकता बची है तो इसमें दो हाइड्रोजन होगा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? CH3Cl, CH3Br, CH3I, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? CH2Cl2, क्योंकि ये क्या चीज है? CH2X2। कुछ समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके साथ रहूंगा। तो क्या देख रहे हो आप? यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या देख रहे हो आप? कि कार्बन की चार संयोजकता ही खेल खेलता है, हाइड्रोजन की एक संयोजकता खेल खेलता है, और हैलोजन की एक संयोजकता ही खेल खेलता है। इस आधार पे हम हेलो एल्केन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो बेटा एक बात आप दिमाग में रख लो, आप हमेशा याद रखो, संरचना सूत्र बनाने का प्रयास करो, संरचना सूत्रों को आप बनाने का प्रयास करो, आप तीन चीजें सीखोगे। एक तो नाम जानोगे, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया जानोगे। रासायनिक अभिक्रियाएं जानोगे, और तीसरी बातें जानोगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ये तीन चीजें समझ जाओगे यदि आपने संरचना सूत्र को समझा। बातों को पकड़ो बेटा, छोड़ना नहीं है यार। मैं आज ये बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लाउड में बोलूं, लेकिन याद रखो मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिला रहा हूं कि कुछ चीजों को जानना जरूरी है। सिर्फ संरचना सूत्र जानने से यौगिक का नाम जानोगे, रासायनिक अभिक्रिया जानोगे, क्रियाविधि जानोगे, उसके बाद क्या कुछ होता भी है क्या केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इसके अलावा कुछ नहीं होता है। दर्द को उठा के फेंक दो। अब शुरू करते हैं पढ़ाई की बातें। कि एक बात तो सोचो कि हम हेलो एल्केन किसको कहेंगे, हम हेलो एल्केन किसको कहेंगे? यहां पर हमने कहा एक छोटी सी बात पे ध्यान दें कि क्या आप सब ये जानते हो क्या? मीथेन, मैं बार बार ये कुछ लाइनें लिख रहा हूं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ये जानते हो क्या? जानते हो ना? मीथेन मतलब होता है एक कार्बन वाला यौगिक, ईथेन मतलब दो कार्बन वाला यौगिक, और ईथेन प्रोपेन यानी तीन कार्बन वाला यौगिक, यानी कि एक हाइड्रोकार्बन है। क्या चीज है ये? क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन है, सुने ना आपने, हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा शुरुआत ऐसा हो कि आपके लिए कोई दर्द ही ना रहे ना, ऐसे पढ़ना। आज हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर रहिएगा, अगर आज हो नेक्स्ट क्लास में नहीं रहोगे कुछ नहीं कर सकता। क्लास जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। मैं यहां पर कोई विज्ञापन करने के लिए और क्लास बेचने के लिए नहीं आया हूं, याद रखना, आपको सिखाने के लिए आया हूं। मैं कई सालों से सिखा रहा हूं, 5-6 सालों से सिखा रहा हूं, वो भी किसमें? यूट्यूब के माध्यम से, जब से यूट्यूब आया, लेकिन उससे पहले 20 साल से पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। समझ रहे हैं ना? सिर्फ इस उद्देश्य से कि बच्चा कुछ सीखे, आप भी ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ बेटा? ये मीथेन ईथेन प्रोपेन है। यस, मीथेन ईथेन प्रोपेन है, हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन कितना होगा भाई? आप जानो, इसमें हाइड्रोजन होगा, कार्बन की संयोजकताएं चार होती है, कार्बन के 1, 2, 3, 4, कार्बन 1, 2, 3, 4 एकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कार्बन 1, 2, 3, 4, कार्बन 1, 2, 3, 4, कार्बन 1, 2, 3, 4, ये आपस में जुड़ गया, ये आपस में जुड़ गया, यही तो होता है ना। जितनी लाइनें, जितनी पॉइंट्स बच गए हैं, वो सारे पॉइंट्स किसके लिए होते हैं? हाइड्रोजन उनके साथ जोड़ने के लिए होते हैं, है ना। इसमें भी देखो 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, हर एक पॉइंट एक संयोजकता होती, उनसे बॉन्ड बनता है। इससे सरल कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं, वो बच्चा जिसको पढ़ाने से किसी टीचर ने कह दिया था तू एक काम कर, एक लोटा ले ले, उसमें डूब के मर जा, वो बच्चा आज MBBS कर चुका है और एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है। वो डॉक्टर का ही बच्चा था, उसको उसने कह दिया था, अर्जुन बंजारे नाम था उस बच्चे का,
बहुत बड़े स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम का पढ़ने वाला बच्चा, उसको बोल दिया था उसके टीचर ने तू केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकता है, लोटे में पानी ले ले और उसमें डूब के मर जा। वो इतना क्या बोलूंगा, वो बच्चा इतना डिप्रेस हो गया था कि एक दिन मैं उस डॉक्टर के घर गया अपने कुछ इलाज के लिए, तो डॉक्टर ने कहा अरे विक्रम सर आप शायद केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, हाँ हाँ, तो मैं अपने बच्चे को जरूर भेजूंगा, बहुत डिप्रेस है सर, वो 2 साल से MBA क्या बोलते हैं मेडिकल एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल रहा, इस साल तो मैं सोच लिया सर कुछ तो नहीं कर सकूंगा, सिर्फ केमिस्ट्री के कारण बच्चा रुक रहा है। बच्चा आया, बच्चे को मैंने कहा बेटा इतना ईजी होता है केमिस्ट्री, तो बस एक दिन आया, वो वेडनेसडे था यानी कि बुधवार था, बुधवार को उसको मैं काउंसलिंग किया और उनको बोला कि तू नेक्स्ट मंडे से आ क्योंकि आपके लिए मैं टाइम निकालूंगा, प्लान करूंगा। वो बच्चा उस साल निकला बेटा, और उस साल उन्होंने उस टाइम उसके पीएमटी क्रॉस किया, उसके बाद उन्हें उस टाइम तो पीएमटी नहीं था उसने, तो इस टाइम उन्होंने सिलेक्शन दिखाया और सिलेक्शन में उनका रैंक बताता हूं 13th रैंक आया था। ये बहुत बड़ा मायने रखता है अपने टाइम पे कि जिस बच्चे को बोल दिया गया है कि तुम चुल्लू भर पानी में यानी लोटे भर पानी में डूब मरो, वो भी केमिस्ट्री के कारण, मैं किसी बच्चे को चुल्लू भर पानी में डूब के मरने नहीं दूंगा। बस याद रखो कि आपको मेरे साथ, मेरे विश्वास के साथ आप जुड़ो, लेकिन रेगुलर जुड़ो। आज पढ़ोगे कल चले जाओगे, कुछ नहीं कर सकते, मैं सिंपल बात बता रहा हूं। अब बताओ यार यहां पे कितने हाइड्रोजन आएगा, आपको तो एकदम क्लियर हो चुका है ना, ये ऐसा क्यों बता रहा हूं, ये क्यों पढ़ाना, मुझे तो हेलो एल्केन पढ़ाना था। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो इन में नहीं पढ़े थे, 77% बच्चों ने मुझे कह दिया था कि उन्होंने 11th केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उन बच्चों को मुझे सिखाना पड़ेगा ना, तो उन्हीं बच्चों के साथ और आप जो अच्छे पढ़ लिए हो 11th में, उन सारे बच्चों को लेकर के मैं ये बातों को पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया, इसमें कितने हाइड्रोजन, ये देखो 4 हाइड्रोजन लगेगा, तो बेटा ये तो हो गया, इनको हम कहते हैं देखो कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन में टाइप है एल्केन का, एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्क मतलब यहां पर होगा एक कार्बन, एल्क मेथ, 2 कार्बन ईथ, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, मेथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेक, ये जो शब्द है इसको तो बिल्कुल पकड़ लो, तो ये पहला एक कार्बन का है तो इसमें तो मेथ नाम है, इसमें 2 कार्बन है तो ये ईथ होगा, और ये 3 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे प्रोप कहेंगे, क्लियर। अब बात होता है कि इसमें कार्बन, ये इसमें दूसरे और कोई कार्बन नहीं है, सारे संयोजकताएं कंप्लीट है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड लेते हुए मान लिया जाएगा इसको, और ये हो जाएगा एन लगा दो, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है एन लगा दो, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में एन लगा दो, तो यह मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, नामकरण आप पहले भी पढ़ चुके, मैं पढ़ा चुका हूं, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा यूपीएससी नेमिंग वो देख लो, 3-4 वीडियो मैंने बनाया था अभी अभी, वो बच्चा देख लेना। मैं नामकरण पढ़ाने के लिए यहां पर नहीं, मैं हेलो एल्केन पढ़ाने के लिए आऊं, लेकिन हेलो एल्केन की तरफ जाने से पहले कुछ बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल ये अब बात हो गई बेटा, अब देखो ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमने एल्केन को देखा, एल्किन क्या होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एल्केन। अब इसमें मैं हाइड्रोजन, अब मैं बोलूंगा हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन है, एल्केन लिखोगे एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर, एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर हेलोजन मतलब समझते हो ना, एक्स यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन परमाणु जुड़ते हैं तो इस प्रकार प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं, समझ रहे हैं? इस प्रकार प्राप्त यौगिक को क्या कहेंगे बेटा, हेलो एल्केन कहेंगे। बहुत आसान, सोचो कितनी छोटी सी बात है जो हमको जानना चाहिए था। तो हमने देखा
एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर, कॉपी में लिख रहे हो ना, अगर लिख रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं, लिखते जाओ, मेरी बात हो सकता है कि आगे निकल जाऊं, बाद में वीडियो देख लेना, पोस्ट प्ले करके देख लेना, पर अभी क्या लिखे, एल्केन से हाइड्रोजन मैंने निकाला और उसमें जोड़ दिया हैलोजन। हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, एक साथ बोल देते हैं एक्स, जोड़ देने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। छोटी सी बात, समझ रहे हैं आप, छोटी सी बात। तो ये छोटी सी बात को पकड़ लो बेटा। अब मैं यही काम करने वाला हूं, मेरे पास मीथेन है CH4, मेरे पास इथेन है C2H6, है ना, ये मीथेन है CH4, ये इथेन है C2H6, ये प्रोपेन है, प्रोपेन है, प्रोपेन है, तीन कार्बन प्रोपेन, ये प्रोपेन है, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बोले, क्या होगा, C3, बोलो बोलो बोलो, C3H8 है। तो इनसे मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा और हैलोजन जोड़ दूंगा, तो वो हैलो एल्केन बन गया। चलो देखें एक बार, चलो देखें एक बार, देखें, मैं ये कहता हूं कि ये मीथेन है, मीथेन है, यस, सॉरी मैं यहां पे नहीं, यहां से लेता हूं, नीचे लिख देता हूं मीथेन नाम, ये मीथेन है, नाम लिखो मीथेन है, मीथेन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और उस जगह पर एक क्लोरीन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन हटा दिया और मैंने उस जगह पर क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये CH3Cl बन गया। मैंने Cl लिखा, Cl2 नहीं लिखा, परेशान मत होइए, कोई रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, बस वैसा किया मैंने, हाइड्रोजन को इससे हाइड्रोजन निकाला, बच गया CH3, क्या हुआ, ये CH4 है, ये CH4 है, उसमें से मैंने एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को यहां से हटाया, हटाया और उस जगह पर मैंने जोड़ दिया ये क्लोरीन, तो ये बन गया। अब देखो, क्लोरीन का नाम पहले लिखूंगा बेटा, नामकरण में आता है, इसका नाम पहले लिखूंगा, क्योंकि नामकरण का नियम में ये कहता है कि नामकरण में कौन सा नामकरण, IUPAC नामकरण में हेलो का नाम लिखते हैं, तो हेलो एल्केन जब बोल रहे हैं तब इसमें तीन नाम है, एक है हेलोजन का नाम हेलो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, और ये एल्क का नाम होगा मेथ ईथ प्रोप, और ये बॉन्ड का नाम होगा एन, तो इस तरह से तीन नामों से संबंधित है, तो ये इसका नाम मैं पहले लिखूंगा क्लोरो, और ये है एक कार्बन से रिलेटेड, यही है मीथेन से बना है, तो इसको मैं कहूंगा मी मेथ, तो सिंगल बॉन्ड एन, तो ये है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये एक छोटी सी आसान सी बात है जो आपको जानना है और समझना है, बिल्कुल। हेलो बेटा, हेलो सबको, हेलो हेलो बोले, हेलो 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 सबको, हेलो, है ना। तो चलिए, इस तरह से हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो मीथेन हो गया, है ना, हेलो मीथेन यानी क्लोरोमीथेन। अगर मैं इसी जगह पे बोलूंगा CH3F तो नाम क्या होगा, CH3Br तो नाम क्या होगा, CH3I तो नाम क्या होगा, आप तो जानते हैं, तो ये इस टाइप का कंपाउंड हुआ। यहीं पर एक छोटी सी बात पर ध्यान दें कि क्या CH4 से हम कितने हाइड्रोजन को हटा के क्या क्या बना सकते हैं। देखो, ये मीथेन है ना बेटा, इसमें से हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन लगाओ। मैंने CH4 रखा, ये CH4 है, मतलब C पर चार संयोजकताएं हैं, देखो जरा, C पर चार संयोजकताएं हैं, तो एक सब जगह पर हाइड्रोजन है, पर एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगा दिया। मैंने दो जगह हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लगा दिया। मैंने तीन जगह हाइड्रोजन हटा करके तीन क्लोरीन लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन तो लगेगा। और हो एक और देख लेता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, चारों जगह का हाइड्रोजन हटाया और चारों जगह पर क्लोरीन लगा दिया। ये मीथेन है, इसमें क्लोरो, ये क्लोरीन है, तो इसको बोलूंगा मैं क्लोरोमीथेन। देखो कितना आसान है, इसमें दो क्लोरीन है बेटा, इसको क्या बोलूंगा, बोलो आप क्या बोलूंगा मैं इसको, तो दो क्लोरीन है तो बोलूंगा डाइक्लोरो मीथेन। मीथेन से ही हमने हटाया था ना, इससे तीन, ये मीथेन है, एक कार्बन है तो मेथ एन, मीथेन, तीन क्लोरीन है तो मैं बोलूंगा ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बोलूंगा इसको, तीन क्लोरीन है, तीन को बोलते हैं, एक को मोनो बोलते हैं, और मोनो बोलने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है, दो है तब बोलते हैं, तो ये तीन है तो बोलेंगे ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरो हो गया मीथेन। इस तरह से हमने मीथेन से संबंधित बात किया। और अब बोलो इथेन से,
सी सी, यहां पर यह है इथेन, और इस जगह पर इथेन में, तो हेलो एल्केन क्या, इसको परिभाषित करते समय, परिभाषित करने के लिए मैं एग्जांपल दे दिया हूं भाई इसका, तो ये है। अब बोलो सी सी, यहां पर देखो चार संयोजकताएं होती, चारों संयोजकता यूज कर रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस जगह पर एक क्लोरीन लगा दिया मैंने। अब यहां पर मैंने एक और काम कर दिया, यहां पर तो छह छह जगह है भैया क्लोरीन लगाने के, छह हाइड्रोजन, तो छह हाइड्रोजन को हटा करके एक एक करके क्लोरीन लगा सकता हूं, तो इतने प्रकार से हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि ओनली क्लोरीन लगाऊं, जरूरी यहां पर आप ब्रोमीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो, इस प्रकार से हेलो एल्केन का पूरा एक पूरा रेंज आप जान सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ क्या पूछ रहे हैं। तो चलिए, तो यहां पर दो जगह पे क्लोरीन लगाया तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये भी हो सकता है, दो जगह पे क्लोरीन जो है दोनों अलग अलग कार्बन पर भी हो सकता है इस तरह से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप इन सब का आईयूपीएसी से नामकरण कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो हम एक ही बात बोलेंगे, काफी आसान है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इथेन है, ये भी इथेन है, तो ये कहलाएगा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। ये क्या कहलाएगा जरा सोचो तो, जरा एक दो कार्बन है और पहले कार्बन पर ही दोनों क्लोरीन है, तो मैं बोलूंगा वन वन, क्या बोलूंगा बेटा वन वन, एक ही कार्बन पर है ना, पहले कार्बन, नंबरिंग करना पड़ता है ना, नामकरण करते समय नंबरिंग करना पड़ता है, तो आपने नंबरिंग किया, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो पहले पर है तो वन वन डाइक्लोरो, दो कार्बन का है चेन है, तो दो कार्बन के चेन को हाइड्रोकार्बन में क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं, तो इथ सिंगल बॉन्ड एन इथेन, इसमें क्या हुआ दो कार्बन, तो वन टू, दो कार्बन पर है तो यहां पर बोलूंगा वन टू डाइक्लोरो इथेन। तो हम नामकरण को अलग करें, हम समझें हेलो एल्केन, हम समझें हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या होता है, हमने यहां पर परिभाषा आपके सामने रखा है। एक मिनट ऊपर करिए तो, ऊपर दिखाइए तो, और कहा सिंपल कहीं पे लिखा था, अच्छा सर जी सिंपल को बुला दो, सिंपल कौन है, हाँ जी चलिए हो गया। अब चलते हैं इतनी छोटी सी बात की तरफ, हम हैलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, परिभाषा आपके सामने एक बार बताया था, अब दोबारा आपके सामने, ये सारे स्लाइड पा सकते हैं विक्रम सर हाइप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल से, और डाउट नट के टेलीग्राम चैनल से, डाउट नट के ऐप से, तो तीन जगह है आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल देखें हैलोजन व्युत्पन्न, किसी हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनता है उसे कहा जाता है हैलोजन व्युत्पन्न या हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाता है, यही चैप्टर है हमारा। और हैलोजन डेरिवेटिव्स मूल रूप से दो प्रकार का होगा, एक होगा एलिफेटिक और एक होगा एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन श्रृंखला वाला, जिसमें एरोमेटिक समूह हो, बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर ना हो, तो इसमें हमने देखा अभी थोड़ा सा देखा CH3Cl, C2H5Cl, CH3CH2CH2Cl, या ब्रोमीन ओमीन भी लगा सकते, मैं क्लोरीन लगा लगा के आपको समझा रहा हूं। एरोमेटिक, एरोमेटिक में होता है बेंजीन रिंग, आपको पता है एरोमेटिक होता है बेंजीन रिंग इस तरह से, और बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सीएल, एक बार दो बार या तीन बार जुड़ा हुआ है, या एरोमेटिक बेंजीन रिंग है उसके साथ किसी कार्बन श्रृंखला के साथ सीएल जुड़ा है, तब ये इस तरह से ये दो प्रकार का होगा, एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न और एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। थोड़े वर्गीकरण की तरफ चलते हैं और इस वर्गीकरण को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देंगे। मैं आपके लिए यहां पर बताना चाहूंगा, थोड़ा सरलता देखें यहां पर, हेलो एल्केन को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, मुझे यह जरूर बताएं सारे बच्चे पोल में बताएं कि कितने बच्चों को कार्बनिक रसायन में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन संकरण
हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने आता है, कितने बच्चों को कार्बनिक यौगिक में संकरण निकालने आता है। जितने को आता है यस लिखना, नहीं आता वो नो लिखना, क्योंकि ये जरूरी है, वो चीज बता दूंगा तो और बात समझ में आएगा। हेलो एल्केन कितने प्रकार का होगा जरा समझेंगे। हेलो एल्केन्स या और हेलो एल्किन को हम मूल रूप से दो प्रकारों में बांटते हैं। पहला sp3 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन, sp3 कार्बन से जुड़े हुए हेलोजन, ये कार्बन कौन सा sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन वाला हेलो एल्किन या हेलोजन डेरिवेटिव्स, और दूसरा होता है sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन व्युत्पन्न। ये दो प्रकार का होगा, ध्यान रखेंगे। अब sp3 से जुड़ा हुआ और sp2 वाला, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि यहां पर 240 बच्चों में से 60% बच्चों ने नो लिखा है, तो मैं सिंपल से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, बस अभी थोड़ा सा रुक जाइए, फिर बताता हूं, आप उस चीज पे थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब यहां पर देखें कि यह हेलोजन व्युत्पन्न दो प्रकार का, sp3 वाला जो है sp3 कार्बन, अब मैं यहां पर बोलूंगा बेटा ये देखो कार्बन है CH3 है मेरे पास, तो CH3 से जुड़ा हुआ है मान लेते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, तो एक्चुअली ये जो कार्बन होता है ना वो sp3 कार्बन है, ठीक है। अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है sp2 कार्बन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको भी बताता हूं, जस्ट रुक जाइए थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए यहां पर देखिए जो sp3 कार्बन वाला जो हेलोजन व्युत्पन्न है वो तीन प्रकार का देखने को मिलेगा, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि हर एक बात अभी एकदम तुरंत नहीं समझ में आएगा, इसको बताने के लिए मुझे हर कई स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल वर्गीकरण का ये स्टेप है, इसको आप नोट कर लीजिए कि हेलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, दूसरा है एलाइल हैलाइड और तीसरा है ब्रिंजाइलिक हैलाइड। अब ये इसका मतलब क्या है मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये वाला इसका मतलब है कि CH3CH2Br इसमें CH2 से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये sp3 कार्बन है परंतु ये एल्केन से है। एलाइलिक में क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 है और इससे जुड़ा हुआ है Br, तो ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 जुड़ा हुआ है। बेंजाइलिक में क्या है, बेंजीन रिंग ही रहेगा, Br जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक CH2 और ये बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजाइलिक कहलाएगा। विनाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन पर ही ये हेलोजन जुड़ा हुआ, एक्स लिख दूं या Br लिख सकते हो। एराइलिक में क्या होता है कि जो एक्स है यानी कि हेलोजन है वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। ये एग्जांपल के साथ एक बार नोट कर लीजिए, आप इसको एग्जांपल के साथ नोट कर लीजिए, बहुत कुछ है उदाहरण पे, ये जो वर्गीकरण है इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब एकदम यार ऐसा मत सोचना कि पानी बना के आ जाएगा, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि पास होने के लिए पूजा पाठ करने में लग जाते हैं, है ना, जिस दिन एग्जाम रहता उस दिन उन्होंने मंदिर चला गया, सर भगवान कल का पेपर सरल बना देना। अब बताओ सरल बनाएंगे तो क्या सिर्फ आपके लिए बनाएंगे, वो तो सबके लिए बना देंगे ना सरल, सोचो तो जरा। और सबके लिए सरल बनाएंगे तो उसमें जो बच्चा अच्छा पढ़ाई करके गया उसका मार्क्स तो और हाई हो जाएगा, सोचो। तो यहां पर इस बात का ध्यान दो कि भगवान जब जिसके लिए आप तुलना मांग रहे हो कि मुझे कल पेपर अच्छा बन जाए ये चलेगा, लेकिन वो इससे क्या सचमुच वो हो सकता है, वो तो पेपर पहले बन चुका है, बाद में भगवान से मांगा तो क्या भगवान वो काम कर सकते हैं उस टाइम पे, पेपर नहीं चेंज करेंगे भाई वो, क्योंकि वो आदमी जिसने पेपर बनाया वो भी तो भगवान का ही बंदा है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि आपको ही समझना होगा कि आप अपनी मेहनत ऐसे करो कि भगवान के सामने सिर्फ ये बताने जाओ भगवान मेरी तैयारी अच्छी हुई है, बहुत अच्छा मेहनत किया हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो। मांगो मत, आशीर्वाद दो ये मत बोलो कि आशीर्वाद में ये दो कि मैं बहुत हाई स्कूल मतलब वो क्या बोलते हैं देश में टॉप कर जाऊं, स्कूल में टॉप कर जाऊं, जिले में टॉप कर जाऊं, बस ये मांगो, ये कह दो कि आपका आशीर्वाद
मेरे साथ हमेशा रहता है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर पाता हूं। ये छोटी सी बात आप अपने लिए सोच लो। फिलहाल ये चीजें एग्जाम्पल के तौर पर आप नोट कर लीजिए। मैंने पूछा था अभी, बताए थे क्या बच्चे पोलिंग में कितने परसेंट थे? चलिए तो यहां पर मैं आपसे बात करूंगा, ये कुछ और वर्गीकरण का पार्ट है, इसको भी आप कर लो, इसमें एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। एक स्क्रीनशॉट बस ले लो इसको, एक स्क्रीनशॉट बस ले लो इसको, हो गया। अब मैं बात करूंगा कि कार्बन, कार्बन में कार्बनिक यौगिकों में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उनको संकरण निकालने नहीं आता, क्योंकि संकरण के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। ऐसा कार्बन जिसमें sp2 संकरण है, उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला हेलोएल्केन या हैलोजन डेरिवेटिव हुआ। हम यहां पर इस बात को ध्यान रखें कि कार्बनिक यौगिक में संकरण कैसे निकालें, मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं। कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना, इसके बाद ही शुरू होगा बेटा। ये जो क्लास है आपका, इस चैप्टर के अंदर जाने के लिए कुछ तैयारी करने हैं। आप कहीं पिकनिक मनाने जाते तो थोड़ी तैयारी कर लेते हो, किसी के यहां जाते हो तो तैयारी कर लेते हो, कोई अच्छी चीज देखना, पिक्चर देखने जाना तो भी तैयारी कर लेते हो। ऐसे ही अच्छे या बुरा जो भी काम करो, पहले थोड़ी तैयारी होनी जरूरी है। तो वही तैयारी हम कर रहे हैं इस चैप्टर में जाने के लिए, ठीक है। चलो, कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालने का एक तरीका है, ये नोट करो। संकरण बराबर सिग्मा बंधों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। मैंने लिखा है इसको शॉर्ट में, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं। यहां है ये है सिग्मा बंधों की संख्या, और दूसरा है ये एलपी मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। जरा समझेंगे, ये एक ट्रिक हुआ, ट्रिक नंबर वन, हैट्रिक वन, ठीक है, ये हैट्रिक वन है, ठीक है, हैट्रिक वन। एक दूसरा ट्रिक बताऊंगा जो इससे ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल इस ट्रिक का उपयोग अक्सर बच्चे करते हैं और कई लोग बताते भी हैं, तो इसमें क्या तरीका है बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH4, ये देखो CH4, इस कार्बन में ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अब ये सिग्मा और पाई नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए और बी दो परमाणु में आपस में जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड से, ए और परमाणु अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ए और बी तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा। हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा तो दूसरा पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में तीनों सिग्मा नहीं हो सकता, तीनों पाई नहीं हो सकता, एक सिग्मा ही होगा, एक सिग्मा उसके बाद सब पाई, तो याद रखिएगा। तो यहां पर यह सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो इस कार्बन में कितने क्या संकरण होगा? तो संकरण बराबर इस कार्बन में बताओ सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? चार प्लस एलपी बेटा इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो यहां पर बिल्कुल नहीं है, वो जीरो है, यानी कि टोटल वैल्यू आया चार। अब आपको बताता हूं कि अगर दो आता है, तीन आता है, चार आता है, क्या करेंगे? दो आएगा एसपी संकरण, तीन आएगा एसपी टू करना, और चार आता है sp3 करना। सीधा सा मैं जवाब दे रहा हूं भैया, इसको बताने के लिए फिर बहुत सारी बात बताने पड़ते हैं, तो सिंपल बात बता देता हूं। sp दो से ना, sp sp2 sp3 बस। तो यहां पर क्या है, ये चार है, तो ये दो हुआ, तो sp sp2 sp3, तो ये संकरण हुआ sp3। दूसरा एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मैं आपको सब में बताता हूं आपको यहां पर संकरण। चलो, बताना है आपको यहां पर कितने कौन सा संकरण हो गया। सिग्मा बॉन्ड है,
ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिग्मा सिग्मा, यहां पर सिग्मा है और ये दो बंध है जो है वो पाई है और ये सिग्मा है। अब मुझे बताओ कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, कौन सा पाई बॉन्ड है, ये तो पता चल गया। अब संकरण कौन सा हुआ यहां पे बात करता हूं। बताओ बेटा इस कार्बन में कितने सिग्मा, कितना एलपी, सभी सिग्मा, एलपी मतलब पाई नहीं ना, वो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यहां पर कार्बन पे कभी एलपी नहीं होता है, आपको पता होगा। हैलोजन पे एलपी होता है, हैलोजन पे ये देखो एलपी होता है तीन, इस जगह पर एलपी की संख्या कितनी है, तीन है। एलपी मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना सिग्मा देखो इस कार्बन पर, एक दो तीन, तीन आया मतलब एसपी टू संकरण। इस कार्बन पर कितना सिग्मा, एक दो तीन, हेलो एक दो तीन, एसपी टू संकरण। इस कार्बन पर कितना सिग्मा, एक दो तीन चार, एसपी थ्री संकरण। इस पर दो आ रहा है सिग्मा, तो इसमें कितना हुआ, एसपी संकरण हुआ। इस जगह पे कितना है, दो आया, एसपी संकरण हुआ। आसान है ना भाई, बहुत आसान हो गया। तो कार्बन पर देखो कि कितना सिग्मा है। विक्रम सर क्या लिखा है, रजिस्टर्स क्या लिखा, सुमा मतलब, हाँ कैसे सब्जेक्ट चेंज, चलो बोलो जल्दी से। हाँ जी हो गया क्लियर। अब मैं थोड़ी सी बात और करता हूं यहां पे कि संकरण निकाल, अब इसमें बता सकते हो क्या संकरण क्या होगा, ये लीजिए। तो हम जब भी हैलोजन लिखें तो हैलोजन पर हमेशा तीन इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इस बात पे ध्यान दें। तो इस क्लोरीन में संकरण क्या है, क्लोरीन पर एक सिग्मा है और तीन एलपी है, तो यहां पर संकरण बराबर बराबर एक सिग्मा और एक सिग्मा और तीन एलपी है, तो इस तरह से चार मतलब एसपी थ्री संकरण है। ये इस तरह से संकरण निकाला जाता है, संकरण वाला पार्ट भी एक मायने रखता है आपके लिए। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताओ कि देखो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी बेटा इस चैप्टर में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन को जानते हैं कि नहीं ये बताओ मुझे। चलो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, बताओगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन, ताकि मैं हेलो एल्केन आपको पढ़ा सकूं। प्राथमिक, आज मैं तैयारी करा रहा हूं हेलो एल्केन में जाने के लिए, द्वितीयक एवं तृतीयक कार्बन पहचानोगे, पहचानते हो, जानते हो कि नहीं बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहला मुझे क्या इसमें बता सकते हो कि कितने कार्बन प्राथमिक कार्बन है, कितने कार्बन द्वितीयक कार्बन है, कितने कार्बन तृतीयक कार्बन है। प्राथमिक कार्बन को फर्स्ट डिग्री कार्बन भी कहा जाता है, द्वितीयक को सेकंड डिग्री, तीसरे को, तृतीयक को थर्ड डिग्री, और एक चतुर्थक भी होता है, याद रखेंगे चतुर्थक कार्बन भी होता है जिसको फोर्थ डिग्री कहा जाता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी, क्यों क्या आप बता सकते हो इसमें, क्योंकि इसके बेस पर हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक हेलो एल्केन को पहचानेंगे और उसके बाद यह चैप्टर आसान हो जाएगा। चलो अब एक बच्चा पूछ रहा है बोलू राज की, सर फिजिकल केमिस्ट्री समाप्त हो गया,
हाँ आप देखिए जा करके हमारा इस चैप्टर मतलब इस चैनल पे हमारा फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो रखी हुई है, जिस चैप्टर को ओपन करके पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। अब आपने डिमांड किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने का, तो मैंने चालू किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन को गहराई से पढ़ना है वो एक काम करें, मेरी वीडियोज अवेलेबल है उसमें से आप एक बार जाके पढ़ें, बहुत कुछ सीखेंगे आप। फिलहाल तो इसमें देखें, हमेशा याद रखना प्राइमरी कार्बन क्या होता है, द्वितीयक कार्बन क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसे तो सी 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 और सी, यहां पर सी और ऐसा है, तो इससे केवल एक कार्बन जुड़ा, एक संयोजकता है इससे संतुष्ट हो रही है, तो यह प्राथमिक कार्बन है। इससे दो संयोजकताएं संतुष्ट हो रही तो कार्बन से होना चाहिए ना, हाइड्रोजन से तो है ही, बाकी हाइड्रोजन जुड़ा है, मैंने हाइड्रोजन बस को नहीं लिखा, कार्बन कार्बन को लिखा है, वहां पे दिख रहा है। तो ये कौन सा कार्बन है, द्वितीयक कार्बन। इससे देखो तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, ये तृतीयक कार्बन है और ये है प्राथमिक कार्बन, और ये है दो कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, तो द्वितीयक कार्बन और ये कार्बन प्राथमिक कार्बन है। तो हमें पता चला कि फर्स्ट डिग्री कार्बन इस जगह पर है, एक दो तीन, सेकंड डिग्री कार्बन हमारे पास है एक दो, और थर्ड डिग्री कार्बन हमारे पास है केवल एक। इस आधार पर प्राथमिक द्वितीयक, देखो समझ में आया ना, कैसे पता लगता है कि किसी कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है, कितने कार्बन सीधे जुड़े हुए हैं, उस आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन को पहचानते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस आधार पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हेलो एल्केन पहचान सकते हैं। देखो मैं यहां पर बताना चाहूंगा हेलोजन के प्रकार, कौन सा हेलोजन के प्रकार, मोनो हेलो एल्केन के, मैं हेलोजन के प्रकार लिख दिया मैंने, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन के प्रकार। अब यहां पर ध्यान देना, मोनो हेलो एल्केन के कौन कौन से प्रकार होंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो बताएंगे मोनो हेलो एल्केन मतलब जिसमें केवल एक हेलोजन लगा होगा, तो ये देखो कितना हो सकता है, ये हो सकता है तीन प्रकार का, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। कैसे, एक एग्जांपल देखो, एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह कार्बन कौन सा कार्बन है, इस कार्बन से अब कौन जुड़ा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, या दूसरा एग्जांपल, इस कार्बन से हेलोजन और इस कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन, एक हेलोजन कार्बन जुड़ा होगा, और इसके लंबी चेन हो सकती है। इसमें क्या देखने को मिला कि इस कार्बन के बाद दो कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी होंगी, कार्बन जुड़ा होगा, तो मैं इसमें कार्बन ना लगाते हुए मैं इस जगह पर लिख देता हूं आर, आर मतलब कार्बन की श्रृंखलाएं जिसमें कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एकदम शब्दों में लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, इसका मतलब होता है वे हेलो एल्केन, लिखो बेटा, वे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन, देखें इस कार्बन से कोई और नहीं जुड़ा है तो यह प्राइमरी कार्बन हुआ, इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है तो यह प्राइमरी कार्बन है, तो यह कार्बन प्राइमरी कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं सेकेंडरी हेलो एल्केन की बात करूंगा तो परिभाषा आपके हाथ में है, बोलो परिभाषा क्या है, परिभाषा है वे
हेलो एल्केन, जिसमें हेलोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी कार्बन क्या? ऐसा कार्बन जिनसे दो कार्बन जुड़ा हो। तो ये देखो, ये देखो, ये कार्बन जुड़ा हुआ है दो ठो। एग्जांपल और ले लें, सी इसे हेलोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन। इसके बाद आप चाहो तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, हेलोजन हाइड्रोजन कार्बन 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 कार्बन, चाहे दुनिया के किसी भी जगह पे कोई सा भी कार्बन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक का। इस कार्बन से मतलब है कि ये कार्बन कौन सा है। इस कार्बन से केवल दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। तो वे हेलो एल्केन, मैं बात बोल रहा हूं ध्यान से सुनेगा, वे हेलो एल्केन, जैसे यहां पर लिखा, वे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से, यहां पर सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी हेलो एल्केन। बहुत सारे एग्जांपल लिखो भाई। चलो मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH X C2H5 C2H5। नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मैं तो हूं, बस याद रखना ये Cl इस कार्बन से जुड़ा, तो ये कैसे हुआ? सब सेकेंडरी हुआ। टर्शियरी में इस तरह से तीन CH3 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 कार्बन ऐसा जिससे तीन कार्बन जुड़ा हो और इसे हेलोजन, टर्शियरी हेलो एल्केन। तो बोले तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ। यह छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। मुझसे वादा करो कि अगर आप रेगुलर इस चैप्टर में रहोगे तो मैं इस चैप्टर को सुपर बना दूंगा, एक एक चीजें सिखा दूंगा। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी कमजोरी होगी ना, उस कमजोरी को खत्म कर दूंगा। वादा नहीं कर रहा हूं बेटा, पक्का इरादा है मेरा। लेकिन याद रखना, आप आज आए, आज पढ़े, अगले टाइम पे ठंडे पड़ गए, मैं भी ठंडा पड़ गया। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है। क्या लिखा है कि सर मैं स्टार्ट से पूछ रहा हूं कि एक बार सर से क्लियर कर दो कि क्लास ट्वेल्थ में सब्जेक्ट चेंज होता है क्या? हां होता है, कुछ स्कूलों में बात कर रहे हो ना, स्कूल में होता है। आप रिक्वेस्ट करो, एक एप्लीकेशन दो और वो भी हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आप किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं। अगर आपके शिक्षक को, आपकी स्कूल की व्यवस्था को ऐसा लगता है कि आप थोड़े सरल सब्जेक्ट से कठिन सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो, तो वैसा नहीं करते हैं। वो कठिन सब्जेक्ट से सरल सब्जेक्ट की वो ले जाते हैं। अब ये कठिन सब्जेक्ट और सरल सब्जेक्ट क्या है, आप समझते हैं इन बातों को बेटा। तो आप बात करिए, अगर आप अच्छे हैं, जिस सब्जेक्ट को पाना चाहते हो, सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो उस सब्जेक्ट में आप जा सकते हो। बात कर लेना, बस इतना ही कहानी। आपने जो पूछा है तुम इसका जवाब दे दे। तो क्या नाम बताया बच्चे का? टोमीवार। यस, चलिए। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि इसके बाद हमको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये सब हमने अभी जो पढ़ाया वही प्राइमरी जो है। इसके बाद बेटा हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। इसके बाद भाई हेलो एल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्कीन से हाइड्रोजन हटा करके हमने जोड़ दिया। चलो सिंपल से बात करते हैं। हेलो एल्कीन, एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, एथीन है ना, एथीन है ना। अब इस एथीन में से एक हाइड्रोजन मैंने हटाया और उस जगह पे हेलोजन जोड़ दिया, तो ये हेलो एल्कीन होगा। हेलोजन में मैंने Br जोड़ दिया, ये चलो Br जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा? ये एथीन है तो ब्रोमो एथीन हो गया, ब्रोमो एथीन हो गया। यही चीज है और कुछ नहीं है यार। एक बार समझना जरूरी होता है बेटा, एक बार समझना जरूरी होता है बातों को। फिर बात करते हैं एल्काइन। अब बेटा एक बात बता दूं, एच ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या चीज होता है? इथाइन होता है, ये एल्काइन है। अब इसमें मैंने H हटाया और उस जगह पर ब्रोमीन जोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो इथाइन, सॉरी ब्रोमो इथाइन। ये लीजिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आप विक्रम सर है केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, या फिर डाउट नेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, या दोनों ही कर लो यार, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए
मैं आपको यहां पर एरोमेटिक हेलो एल्केन के बारे में भी बताया था आपको, एरोमेटिक रिंग से यानी बेंजीन रिंग से आपका हेलोजन जुड़ा हो तो। अब एक बात आपको जो बताना चाहूंगा वो समझेंगे, नामकरण के पूरे सिस्टम को अभी जानना है तो आपको आईयूपीएसी नामकरण कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा उसको देख लो, या चार घंटे का एक काम करो आईयूपीएसी विक्रम हेप केमिस्ट्री सर्च करना, एक वीडियो चार घंटे का मिलेगा, उस चार घंटे वाली वीडियो को आप एक हफ्ते तक पढ़ो, पूरा प्रैक्टिस करो। बोले सर चार चार घंटा एक एक दिन, नहीं यार आधे आधे घंटे करोगे तो सुपर, और उसमें सर प्रैक्टिस करते जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि सिर्फ हेलो एल्केन का क्या नामकरण सीखोगे, सीखोगे तो पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण सीख जाओगे। वो चार घंटा बच्चे के लिए एक बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा गिफ्ट है मैंने जो आपको दिया है, ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या आप तैयार हो? यस और नो में जवाब दो जल्दी से। क्लास बेटा आपके स्कूल में जो पढ़ाई जाती है शायद मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ाता होऊंगा। अब इनको बनाने की विधियां क्या हो सकती हैं, इनको बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो कुछ तरीकों के बारे में बताऊंगा आपको, तो जरा देखें बनाने की क्या क्या विधियां हैं। पहला हेलो एल्केन बनाने की विधि में है, पहला एल्केन से, किससे? एल्केन, एल्केन से। नोट कर लो, नोट कर लो कौन कौन सी विधियां हैं वो नोट कर लो, पहले एल्केन से, दूसरा है एल्कीन से। एल्कीन, एल्कीन किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन से। लिख लो इसको, लिखो, कॉपी में लिखना पड़ेगा। यहां पर 93% बच्चों ने कहा है कि वो लास्ट तक रहेंगे और अगली क्लास में भी वो मिलेंगे, तो फिर आप लोगों का तो 100% श्योर हो जाता है कि आप आगे सीखोगे, है ना। और जो बच्चा आज पहले दिन आए होंगे उनको मैं कहूंगा, हो सकता है कि 8-10% बच्चे होंगे जो नए आए होंगे, उन नए बच्चों को कहूंगा इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा हेलो एल्केन का, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, हल्का फुल्का समझाते जाऊंगा। चलिए, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, यानी फास्फोरस हैलाइड से क्रिया के द्वारा अगला बनाने की विधि है प्रिपरेशन बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड, यानी कि हैलोजन या हैलाइड ही लिख देता हूं, हैलाइड विस्थापन विधि द्वारा। कॉपी में लिखो, आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई हड़बड़ी नहीं, कहीं भागेंगे नहीं हम, बिल्कुल क्लासरूम जैसा आपकी पढ़ाई होगी, है ना। कॉपी में लिखो, चैटिंग पे ध्यान ना दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, बस इतना ही करना है। चलिए, तो इतनी विधियों में से जितनी विधियां आज कर सकते हैं हम देखते हैं। पहली विधि प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किन्स, एल्केन्स, एल्केन्स के द्वारा बनाना है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हेलोजनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हेलोजनीकरण में देखें, एल्केन का हेलोजनीकरण के द्वारा बनाएंगे। क्या हो सकता है हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? एल्केन का हेलोजनीकरण, मेरी बात समझेंगे, छोटी सी लाइन में लिखूंगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कि एक है क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण में होता क्या है, क्लोरीनीकरण में होता है कि एल्केन में क्लोरीन गैस Cl2 गैस की क्रिया, बिल्कुल सिंपल भाषा यूज कर रहा हूं ना, एल्केन में क्लोरीन गैस की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर
एल्केन में Cl2 गैस की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है, या मैं क्लोरो एल्केन बोल सकता हूं यहां पे, क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। नोट करो बेटा। अब यहां पर इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा समझना है। कॉपी में लिख रहे हो ना, ये बहुत जरूरी है, कॉपी में लिख रहे हो। 79% 80% बच्चों ने कहा है कि वो लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो कहता हूं 100% बच्चे लिखो तो ज्यादा अच्छा है। पढ़ाई कर रहे हो, कोई मजाक तो कर नहीं रहे हो, तो लिखो। एल्केन में Cl2 गैस की क्रिया कराया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में। अब होता क्या है, एक एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं कि मैं अगर CH4 की क्रिया Cl2 से कराता हूं प्रकाश की उपस्थिति में, तो कैसे? एच न्यू बोलते हैं, प्लैंक के नियमानुसार प्रकाश की ऊर्जा को एच न्यू से दर्शाते हैं, तो एच न्यू लिख देते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो यहां पे होगा क्या, सिंपल एक काम होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कल रिएक्शन देखे थे ना, कल क्यों पढ़ाया था, एक दिन 11th एक दिन 12th क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि जो मंगलवार गुरुवार और शनिवार का जो दिन होता है आप लोगों को बेसिक रूप से आपको इंप्रूव करने के लिए होता है। तो आज मैं आपको इंप्रूव करने की बात नहीं, आज सब्जेक्ट पे हैं हम लोग। तो चलिए यहां पे होगा क्या, बताओ क्या बनेगा बेटा, बोलो तो। कुछ नहीं है, यहां का एक क्लोरीन यहां के एक एच को लेकर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तब क्या बनेगा, एक एच और एक सीएल आपस में जुड़ जाएगा, तो बन गया HCl। क्या बन गया, HCl बन गया। CH4 में से एक एच वाली जगह खाली हुआ है तो उस जगह पर इसका एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया CH3Cl। तो ये कहलाएगा क्लोरोमीथेन। ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया है। अब इतनी छोटी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, तो क्लोरोमीथेन हमने बना लिया। क्लोरीन समझ में आ गई होगी, तो क्लोरोमीथेन हमने बना लिया। क्लोरीन गैस मीथेन में, या मीथेन और क्लोरीन गैस को मिला करके प्रकाश में रखते हैं, तो वो दोनों आपस में क्रिया करके बना लेता है CH3Cl। क्लोरोमीथेन बनाने की एक विधि हो गई। कॉपी में लिख रहे हो ना, एक नीचे करो तो, रतन भैया। रतन भैया, मैंने आपको बोला था सर से बोलने के लिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। बेटा रोहित जी, आपसे मैं हमेशा बात करता हूं, आप रोहित यादव, आप सुने होंगे कि मैंने कहा है कि बच्चों की डिमांड थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रहा हूं कि अधिकांश बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड किया था। आप बताओ एक साथ में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ाऊं। दूसरी बात कहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनऑर्गेनिक की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाके आप पढ़ लीजिए। देखो भाई, ऑनलाइन क्लास का यही मतलब है, यही फायदा है कि आप जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए साहब, ये हो गया। अब इसमें कुछ मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। CH4 को मैंने ऐसे लिखा, देख रहे हैं आप, ऐसा लिखा मैंने, इसकी क्लोरीन से क्रिया कराओ तो Cl ऐसे लिख देता हूं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है। आप क्या देख रहे हो कि ये सीएल, दोनों सीएल अलग हुआ और इसके एच को लेकर के निकल गया, तो बन गया एच सीएल, ये निकल गया। यहां पर लिखूंगा इसके जगह पे, यहां पे लिख दें तो माइनस, प्रोडक्ट को एरो पर लिखते हैं, अभी उत्पाद को एरो पर लिखते हैं तो माइनस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब बचा क्या है बेटा, देखो तो ये एच निकल गया है और ये सीएल निकल चुका है, ये निकल गया, ये बच गया। अब बताओ ये दोनों की रस्सियां बची हुई है, आपस में जुड़ जाएगा, वैलेंसी बची हुई है, बिल्कुल आसान तरीके से समझें तो ये दोनों जुड़ जाएगा। चलो मैं यहां पर बताता हूं आपको, यहां से क्या मिला है, ये बचा हुआ है इस जगह से, और इस तरफ देखिए Cl इधर का बचा हुआ एक Cl यहां पे जुड़ गया, क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया। अब एक क्लोरो है तो मोनोक्लोरोमीथेन भी कह सकते हो आप, मोनोक्लोरोमीथेन बन गया है। अब चलते हैं आगे, एक बात और समझ लो कि Cl2 से फिर से क्रिया करा रहा हूं। जब भी किसी पदार्थ, देखो ये लाइन से एक क्रमवार अगर रिएक्शन को और भी आगे बढ़ाना है, फर्दर रिएक्शन दिखाना है, तो आपको इस तरह के प्रक्रियाओं, इस तरह से रिएक्शन को करके दिखा सकते हैं। तो अब मैं कहता हूं कि इसकी क्रिया भी
अब मैं कहता हूं ये बन गया, अब इसकी क्रिया मैं क्लोरीन से करा रहा हूं, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, इसका एक Cl इसके, अब जब तक H रहेगा तब तक तो वो निकाल निकाल के रिएक्शन करता रहेगा, तो एक H को लेकर के निकल जाएगा, तो HCl बन के निकल गया, एक H और ये Cl एक। अब क्या बचा है जरा सोचो, तो जरा बचा हुआ है मेरे पास, बचा हुआ है मेरे पास ये C पर दो H बचा हुआ है और एक Cl जुड़ा हुआ है। अब एक नया Cl इस जगह पे आ गया, कितना आसान है रतन जी, आप समझ पा रहे हैं? हाँ, कितना आसान है। फिर जब तक रहेगा हाइड्रोजन तब तक चलेगी यह प्रक्रिया, फिर इसके बाद और एक बार क्रिया करा सकते हो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एच न्यू, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराए, क्लोरीन गैस और इसके साथ रिएक्शन करा दिया जाएगा, तो यह फिर से एच को लेकर निकल जाएगा। अब यह क्या बनेगा जरा सा, सबका नाम लिख दूंगा लास्ट में, नाम कोई बड़ी चीज नहीं है। एक H ये वाला निकल गया, चलिए तो HCl ये भी निकल गया, बच क्या गया जरा देखो, तो जरा बचा क्या है, बचा है, फिर बच गया है ये बचा हुआ है HCl। ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ, नहीं समझ पा रहेगा, एक क्लोरीन इधर से बचा हुआ है और ये क्लोरीन अब यहां पर जुड़ गया है। फिर आगे अभिक्रिया बढ़ाते हैं और देखें क्या होने वाला है कि C प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 और गैस डाले और उनसे इनकी क्रिया इनसे कराने लगे। हमने यहां से यहां तक की क्रिया में एक रिएक्शन हो गया, यहां से यहां तक के एक रिएक्शन हो गया, यहां से यहां तक एक रिएक्शन हो गया, यहां से यहां तक एक रिएक्शन हो गया। तो फर्दर रिएक्शन को दिखाने का एक तरीका होता है, अगले होने वाले रिएक्शन को दिखाने का तरीका होता है। सारे बच्चे ध्यान से देखो क्योंकि यह चीज आपके लिए कल के डेट में, कई कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन है, बिल्कुल नहीं है, सो इजी, एकदम इजी, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल आपको मैं जो समझा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, यह पूरा का पूरा, अब हाइड्रोजन यह बचा हुआ ना, तो हमारे पास क्या बच गया, अब यहां से तीनों Cl पहले से इसमें लगा हुआ है, अब इस जगह खाली हो गया है, उस जगह पे आ जाएगा एक Cl, क्यों, क्योंकि इस जगह के H को लेकर के एक Cl निकल चुका है, तो HCl बन गया और वो निकल गया माइनस। इस तरह से ये बना है, ये तो मीथेन है ना, ये तो मीथेन है ना, ये मीथेन है, क्या लिख सकते हो CH4 लिख सकते हो इसको। ये क्या चीज है, एक क्लोरो, तो क्लोरोमीथेन कहेंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन कहेंगे, और क्लोरोमीथेन को अगर फॉर्मूले में अणुसूत्र में लिखें तो कैसे लिखेंगे, CH3Cl में लिखेंगे। ये क्या चीज है, डाइक्लोरोमीथेन, दो बार क्लोरीन है, डाइक्लोरोमीथेन, नोट करें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2Cl2। ये क्या चीज है, देखो तीन बार क्लोरीन है तो क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्या बोलने वाले हम इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। हाँ, अब यहां पर बात करते हैं, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और क्लोरोफॉर्म का उपयोग एक जमाने में बेहोश करने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता था। जब ऑपरेशन किया जाता था तो किसी आदमी का ऑपरेशन करना है, कहीं पर सर्जरी करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, वो आदमी अगर बेहोश नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो दर्द के मारे ही मर जाएगा बेचारा, समझ रहे हैं, और वो डॉक्टर के लिए भी खतरनाक है कि वो नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक बेहोशी कारक, जिसको निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक कहते हैं, बेहोशी कारक एनेस्थेटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चेतक, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आज के डेट में इसका बहुत बड़ा उपयोग है विलायक के रूप में, यानी अब विलायक मतलब घोलने वाला पदार्थ, तो कार्बनिक पदार्थों को कुछ उद्योगों में बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया ये एक विलायक होता है, तो अलग अलग हर चीज, हर एक सामान के लिए अलग अलग तरह विलायक होता है, आपको पता होगा, तो यहां पर इसका भी उपयोग किया जाता है, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको, वैसे ये टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो मीथेन है, यह टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। तो मतलब एक बात बताओ मुझे, क्या नाम बताना जरूरी है, नहीं ना, क्योंकि नाम तो आप कर ही सकते हो, तो चूंकि नाम बताना जरूरी नहीं है इसलिए नाम बता करके हम टाइम
बर्बाद नहीं करेंगे, उसकी जगह पढ़ाई करेंगे। चलिए साहब, अब बात करते हैं यहां पे कौन है, विशाल गुप्ता, उसको बताओ कुछ क्या कह रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो ये हुआ। अब मैं एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आयोडिनेशन यानी आयोडीनीकरण, मतलब आप आयोडीन जोड़ना चाहते हो। क्लोरीन जोड़ने के लिए आपने क्या किया, प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराया। लेकिन जब आयोडीन जोड़ना चाहते हो किसी एल्केन में हाइड्रोजन को हटा करके, जैसे मैं अगर यहां पर कहता हूं कि CH4 है मेरे पास इस तरह से, और आयोडीन को कैसे लिखते बेटा, आयोडीन को लिखते हो, पहले CH4 कर दूं, आयोडीन के लिखते हो I2 के रूप में। तो I2 मतलब आई सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं, तो इनकी क्रिया अगर आप करा रहे हो तो क्या होगा, आयोडीन और ये एच निकल जाएगा HI बन करके। दूसरी बात होगी कि अब क्या बचा हुआ है, बता सकते हो क्या क्या हुआ है, जैसे क्लोरीन में हुआ था बिल्कुल वैसा ही काम होने वाला है कि CH3, हमेशा संरचना सूत्र से स्टार्ट करिए, वहां से सीखना शुरू करिए और आगे जाकर के अणुसूत्रों के मेरे पे लिख सकते हैं आप। चलो ये हो गया, अब उस जगह पे क्या आने वाला है, आयोडीन आने वाला है, आयोडीन एक बचा हुआ यहां पे आ जाएगा, ये लीजिए। अब बताओ ये एक्चुअली मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, CH4 की क्रिया आयोडीन से कराता हूं तो मुझे क्या मिला, CH3I मिला और क्या बन गया, HI। लेकिन ध्यान रखना आयोडीन से यह अभिक्रिया इतनी आसान नहीं होगा जितनी आसानी से फ्लोरीन से यह रिएक्शन हो जाता है, उससे थोड़ी कमी होगी अभिक्रिया करने में, वो है क्लोरीन से फिर ब्रोमीन से फिर आयोडीन से। मतलब अभिक्रिया करने की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किस में होगा, फ्लोरीन में होगा, आयोडीन में कम होगा। लेकिन अगर अभिक्रिया होता है ऐसा तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होता है, यानी कि आप ये प्राप्त ही नहीं कर सकते, अगर बन भी गया तो वापस चला जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में क्रिया करके इसको ये क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा, यानी आयोडीन इसको चला जाएगा, I2 बन जाएगा और H इसमें आ जाएगा, यार ये अभिक्रिया नहीं होगी आसानी से। तब इस जगह पर किसी ऑक्सी कारक को लेने की आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सी कारक के रूप में हम लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा इस चीज को HIO3 या HNO3, यानी कॉन्सेंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में रिएक्शन होता है या HIO3 के उपस्थिति में रिएक्शन करा जाता है। तो ये HI क्या कर, ये क्या करता है, इससे HI से हाइड्रोजन की डिमांड मांग लेता है और आयोडीन को अलग कर देता है, फिर इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। तो ये इस अभिक्रिया को सिर्फ एक दिशा में लेने के लिए ऐसा करना पड़ता है। कॉपी में लिख रहे हो ना, लंबी लंबी थ्योरी नहीं दे रहा हूं, छोटी छोटी लाइनें दे रहा हूं, उसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, आप अपनी कॉपी में तो लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं बारिश हो रही, तो हमें पढ़ाई से तो रिलेट नहीं करता है बारिश, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं एल्किन से हेलो एल्किन बनाने की विधि। एल्किन से हम हेलो एल्किन कैसे बना सकते हैं, तो छोटी सी लाइन हम देख लें। एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन HX, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या हुआ, HF, HCl, HBr और HI। इसमें अभिक्रिया करने की जो स्पीड होती है ना, या अभिक्रियाशीलता जो होती है ना, वो HI में सबसे ज्यादा होता है, HBr में कम और HCl में कम। तो ये यहां पर इस चीज को याद रखेंगे। फिलहाल मैं HBr से रिएक्शन करके दिखाता हूं किसी एल्कीन पर। ध्यान रखना, किसी एल्कीन पर, एल्कीन मतलब क्या होता है बताओ बेटा, मेरे साथ आप अगर चैट कर रहे हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ एल्कीन क्या होता है। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन कहलाता है। एग्जांपल, एल्कीन
सी डबल बॉन्ड सी होना जरूरी है। तो सबसे छोटा एल्किन क्या होता है हमारे पास, तो मैं ऐसे लिख देता हूं फिलहाल एल्किन में इस तरह से, सबसे पहला एल्किन दे देता हूं मैं आपको सी डबल बॉन्ड सी, तो ये हुआ हमारे पास एच, ये हो गया सी एच टू सी एच टू। आप क्या लिखते हो इसको, सी टू एच फोर, या क्या लिखते हो आप इसको सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। कितना आसान है देखो आप, इसको क्या कहते हैं एथीन कहते हो, कहते हो ना, इसको क्या कह सकते हो एथिलीन कह सकते हो। मैंने कहा नाम के पीछे मत भागिए, इससे टाइम आपका बर्बाद होगा। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो बेटा आप, एच एक्स से करा रहे हो। अब एच एक्स में आपने लिया एच बी आर लिया, एच आई लिया, एच सी एल लिया, जो भी लिया। अब मुझे बताओ कि इसमें आप इस रिएक्शन को करा सकते हो, क्योंकि कल की क्लास में अगर रहे होंगे तो आपने ये सीखे होंगे कि योगात्मक अभिक्रिया है। अभी हमने प्रतिस्थापन देखा, अब योगात्मक अभिक्रिया आ रहा है। तो योगात्मक अभिक्रिया समझें, यहां पर ये अणु इसमें जाके जुड़ जाएगा। कैसे, जहां भी डबल बॉन्ड होता है ना वो बड़ी आसानी से टूट जाता है। कोई दूसरी अणु आ रहा हो जो जो अपने आप में इसका बॉन्ड अगर कमजोर होगा तो इसके नजदीक आते ही वो डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड टूटने का मतलब ये नहीं कि दोनों अलग हो गया, एक रहेगा भाई, क्योंकि आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है। तो एक बंद जो है बहुत प्रबलता से जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा बंद जो होता है काफी दुर्बल होता है। दो कार्बन परमाणु आपस में एक दूसरे को जुड़ा हुआ है लेकिन एक बंद प्रबल है तो वो रहेगा, तो एक बॉन्ड तो टूट जाएगा। तो क्या बच गया, देखिए जरा क्या होने वाला है। तो ये डबल बॉन्ड के बारे में बात चल रहा है, तो कार्बन का ये एक ही बंद रहेगा और इसमें हाइड्रोजन दो लगा ही रहेगा। एक बॉन्ड के टूटने से उसके वैलेंसी ओपन हो गया, उसकी संयोजकता खुल गई। जहां संयोजकता खुलती है वहां पर कोई परमाणु या समूह जुड़ जाता है। तो अब बताओ ये एच बी आर में एच अलग हो जाएगा, बी आर अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर भी पता है एच और बी आर आपस में जुड़े हुए हैं, ये टूट जाएगा। टूटने से एच अलग हो गया, बी आर अलग हो गया। बताओ अब क्या होगा, दोनों कार्बन तो एक जैसा है ना, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन एक जैसा है ना, तो कोई कहीं पर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एच यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, बी आर यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों में बी आर जोड़ दिए, जो है उसे ही को जोड़ेंगे ना, एक एच है एक बी आर है, तो एक जगह पे कोई भी जगह पर एक एच जुड़ जाएगा, कोई भी जगह पर एक जगह पे, तो ये एच जुड़ गया, एक जगह पर कहीं पर भी बी आर जुड़ जाएगा। तो आपने इस जगह पे क्या देखा रिएक्शन में, सी टू एच टू की क्रिया एच बी, सी टू एच फोर की क्रिया, सी टू एच फोर की क्रिया एच बी आर से आपने कराया, तो आपने देखा कि सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू बना है और इसमें एक बी एच जुड़ गया और इसमें एक बी आर जुड़ गया, तो इसको हम सी एच थ्री सी एच टू बी आर लिख सकते हैं। ब्रोमो इथेन बन गया, लिख रहे हो तब तो अच्छी बात है। नीचे जल्दी करिए, बताइए जल्दी से, हो गया बेटा सबका। तो इस तरह से रिएक्शन हुआ। तो हमने एल्किल हैलाइड बनाने की ये विधि हमने देखा, तो दो अभिक्रियाएं देखा हमने, एक क्लोरीनीकरण देखा हैलोजनीकरण, और दूसरा हम देख रहे हैं योगात्मक क्रिया, योग एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्किन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग अगर आपको मैं कहूं यहां पर, क्या आप ये रिएक्शन करके देख सकते हो, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या इस रिएक्शन को कर सकते हो HBr, क्या बन जाएगा आपसे। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, क्लास 12th में है आप, तो 11th का चैप्टर नंबर 12 को आप बहुत ही गहराई से पढ़िए, वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप जा करके उसको पढ़िए, पूरी एक एक चीजों को छान मारिए। मेरा सलाह है, अभी वक्त है, लेकिन याद रखना समय जैसे जैसे गुजरते जाएगा आपका वक्त छीनते जाएगा।
जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाएगा, वक्त छीनते जाएगा, आपके पास समय नहीं निकलेगा कि आप 11th का चैप्टर नंबर 12 को पूरी तरह से पढ़ पाए। बात सुनो नहीं सुनोगे आपकी मर्जी, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें फर्क इस बात का पड़ता है कि अगर आप सीख नहीं पाते हैं, जब आप बताते हैं कि सर मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो हमें तकलीफ होता है कि आपने क्यों नहीं मानी बात हमारी। ये बात ध्यान रखिए। चलिए, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। चलो बोलो बेटा, इस जगह पे क्या होगा? कुछ नहीं यार, सिंपल से यार, दो सी एच थ्री। तो क्या है ये? देखो सी एच थ्री है, और किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन पर ये देखो H जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यही तो संरचना है इसकी, सी एच थ्री है, ये H लगा हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। बोलो, इससे आसान कोई रिएक्शन हो सकता है क्या? बोलो, नहीं ना। अब एक जगह पे कोई जगह पे H लग गया और एक जगह पे कोई Br लग गया। ये इस तरह से हम ब्रोमो इथेन बना लेते हैं, और ये क्या ब्यूटीन है ना, तो टू ब्यूटीन, टू ब्रोमो ब्यूटीन, ब्यूटेन बन गया है, टू ब्रोमो ब्यूटेन बन गया है। तो इस तरह से हम रिएक्शन कराते हैं। ब्यूटीन नहीं है बेटा ना, शाहबाज, शाहबाज, थोड़ा ध्यान रखें, ब्यूटेन है ये। वन वन टू थ्री फोर, टू ब्रोमो ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ए एन ई। यहां पर याद रखना, ए लगा हो तो एन बोलते हैं, ई लगा है तो एन बोलते हैं, वाई लगा तो आइन बोलते हैं। ध्यान रखना। अब एक सवाल हमारे पास और आता है कि सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है, और जब हम एच बी आर को जोड़ना चाहते हैं तब इस तरह का एल्कीन, इस तरह का ये एल्कीन है, कैसा एल्कीन है ये? ब्यूटीन ही है, पता है, टू ब्यूटीन है ये, टू ब्यूटीन है ये, या हम ब्यूटीन टू कह सकते हैं, ब्यूट टू इन कह सकते हैं, ब्यूट टू इन कह सकते हैं, ये है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कैसा है? दोनों कार्बन, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर आप देख रहे हो कि क्या है इस जगह पर, इस जगह पर दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तब इस जगह पर हम ये कहने वाले हैं कि ये सममित एल्कीन है। जबकि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर देखें, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, इस पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन का है ना, इसका नहीं है, तो क्या होगा? ये असममित एल्कीन कहलाती है। सिमेट्रिकल एल्कीन और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाती है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर आप HBr को जोड़ना चाहेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। क्या गलती हो सकती है जरा समझो। देखो, अगर इसको मैं यहां पर लिखूं CH3CH, ये वैलेंसी बच गई, बॉन्ड टूट गया, तो और इस जगह पर दो H हैं और इस जगह पर भी एक वैलेंसी बचा हुआ है, तब आप सोचो एक है H और एक है Br। चलो Br की बात करता हूं, यहां पर Br जुड़ेगा तो संरचना कुछ अलग होगा, यहां पर Br जुड़ेगा तो संरचना कुछ अलग होगा। आप देखिए, इसमें Br यहां भी जोड़ देते ना तो नाम सेम होता, इसको यहां कहीं भी जोड़िए नाम सेम होगा, तो प्रॉब्लम नहीं था यहां पे कुछ भी। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है कि अगर आप यहां पे जोड़ देते हैं तो वो अलग यौगिक बन जाएगा, और यहां पे जोड़ेंगे तो अलग यौगिक बन जाएगा। पर सवाल ये है कि Br को मैं जोड़ूं कहां, जोड़ूं कहां Br को? कल की क्लास में बताया था मैंने ये चीजें। अब बोलो सर, वो चीज तो आपने 11th वाले बच्चों को पढ़ाया था, हमें क्यों नहीं? भाई मैंने कहा कि 11th को पढ़ाया जाने वाला हर एक टॉपिक 12th वालों को जरूरत पड़ती है। कई बच्चों के दिमाग में यह है कि सर मेरा 11th खराब हो गया, मैं 12th को कैसे करूं? तो मैं इसका एक ही जवाब दूंगा, मैं आपको वो हर बात जो 11th में खराब कर चुका है उन बच्चों को पढ़ाने के स्टाइल में 12th को पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो साहब, बात करो क्या होगा। यहां पर ध्यान देना कि बी आर जो है, आप जानते हो NaCl लिखते हो, NaCl में इस साइड लिखा हुआ निगेटिव होता है, आपको पता Cl निगेटिव होता है, तो भाई यही समझो कि यहां पर भी ये निगेटिव भाग है। कौन सा? ये निगेटिव भाग है।
तो निगेटिव भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, बी आर उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। चलिए कॉपी में लिख रहे हैं ना आप, बोलो। चलिए कौन कौन बच्चा है जो बताएगा? ओके वेरी गुड, पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं भाई यहां पे। तो ये बी आर उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो कहां पे जुड़ जाएगा? देखो इसमें हाइड्रोजन एक है, इसमें हाइड्रोजन दो है, तो आपको बता दें इस जगह पर जुड़ेगा और इस जगह पर एच। तो हम लिख सकते हैं सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच थ्री, ये याद रखेंगे। और ये किसके नियम के अनुसार होता है? मार्कोनी कफ के नियमानुसार होता है। ये बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मार्कोनी कफ का नियम कहता है कि किसी असममित एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर, यहां पर आप देख लीजिएगा मार्कोनी कफ का नियम, मैं लिखाऊंगा, लिख के दिखाऊंगा, उससे अच्छा मैं लिखा हुआ आपके सामने दे दिया हूं। मैंने कहा लिखना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा जानकारी के लिए, याद रखने के लिए, एग्जाम में भी काम आ सकता है। तो क्या बोला मैंने? किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवी अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उदाहरण मैंने अभी दिया था, आप चाहो तो इस पे भी करके देख सकते हो, सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री। अब बताओ मैंने इसमें एच बी आर जोड़ा है तो क्या बनेगा, और मैंने इसमें एच बी आर जोड़ा है तो क्या बनेगा? यानी दोनों जगह पर क्रिया हो रही है, योग क्रिया, बस जुड़ना का, जुड़ने का काम होगा और कुछ ना ही। चलो बताओ बेटा क्या होगा? हां जी मस्ती एंड जॉय हरदोई से, ठीक, पढ़ाई से कोई मतलब ना आई है ना, मस्ती को मस्ती करना है, पढ़ाई को एक तरफ करना है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पंकज, थोड़ा शुरू से पढ़ो बेटा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। प्रिया वर्मा, मेरा डेटा खत्म हो गया सर, हॉटस्पॉट ऑन कर करेगा भेज पे, बात समझ में नहीं आया, ठीक है बाद में पढ़ लेना, ठीक है कोई बात नहीं। दीपू सर आप बैच 12 का डाउट नट पर क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ जी चलिए चैटिंग करेंगे, टाइम लग जाएगा, बाद में बात करेंगे, हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो बताओ क्या बना, बताओ इसमें क्या बना, मैं इस जगह नहीं तो नीचे लिख दे रहा हूं। देखो ये बी आर कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। बी आर कहां पे जुड़ेगा, ऋणात्मक भाग जहां पे हाइड्रोजन कम है, इधर की इधर की इधर, किसमें जुड़ेगा बोलो जल्दी से? इसमें तो एक हाइड्रोजन, इसमें नहीं है, ये नहीं है मतलब इसमें कम है, यस। तो ये बन गया सी एच थ्री सी एच टू, और यहां पर ये सी एच, इस जगह पर बी आर जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड सिंगल हो गया और ये सी एच थ्री। कितना आसान है, देखो भाई कोई कठिनाई नहीं होती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन। इसमें क्या बनने वाला है बोलो? सी एच थ्री सी एच, तो ये सी, इसमें इसमें बी आर जुड़ेगा तो इसमें एच जुड़ेगा, तो सी एच टू हो गया सी एच टू सी, और इस जगह पर क्या है, इस जगह पर बी आर जुड़ेगा और दो सी एच थ्री ऑलरेडी है, ऐसा बनेगा। कितने बच्चों का राइट है बताओ भाई, कितने बच्चों का राइट था? वेरी गुड, बढ़िया से लिखिए, है ना, बढ़िया से लिखिए, चलिए गलती नहीं करने का। अब ये दोनों समझ में आ गया, बस एक बात और समझना, सेम रिएक्शन को मैं दोबारा यहां पे लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एच बी आर, परऑक्साइड उपस्थित है, बेंजाइल परऑक्साइड या कोई भी परऑक्साइड, यहां परऑक्साइड उपस्थित है, तब ये रिएक्शन कुछ और रूप लेने वाला है। जब परऑक्साइड नहीं था तो बी आर जुड़ता था उस जगह पर जहां पे हाइड्रोजन कम है, जब परऑक्साइड उपस्थित है तो बी आर यानी ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यानी मंटी मार्कोनी कफ, मार्कोनी कफ के नियम का उल्टा, इसको कहते हैं खराश प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी कफ का नियम कहते हैं।
जब परोक्साइड रहेगा तो ये Br उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा। ये छोटी छोटी बातें पकड़ना, रिएक्शन वही है कि Br को एक जगह जुड़ेगा तो H एक जगह जुड़ेगा, बस इतना ही है, बाकी देखिए क्या मिलने वाला है। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं CH3CH और सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया और इस जगह पर Br जुड़ा। ध्यान दीजिएगा Br कहां जुड़ा, Br किस जगह पे जुड़ गया, इस जगह पे जुड़ा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है और H इस जगह पे जुड़ गया, तो आप CH2 भी लिख सकते थे इस जगह पे। तो ये छोटी छोटी बातें। हाँ जी, अब बताओ बेटा क्या लिखा है, नीचे करो, शायद नीचे करो नीचे। हाँ क्या विशाल नाम है, शायद कहाँ पे है, शायद नीचे करो थोड़ा, क्या लिखा, हाँ शायद आरंभ बैच में डिस्काउंट दिला दीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं आपको यही बोला था कि आज के इसमें रहिएगा जरूर। कब होते मीटिंग हुआ था हमारा, जो सेमिनार हुआ था जूम में, सेमिनार में तो आप थे, तो जरूर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। ये सब आप जरूर कांटेक्ट करिए, कहीं परेशानी होगी तो जरूर बताइएगा। चलिए हो गया, अब मैं अल्कोहल से बनाने की विधि बताऊंगा। अगला विधि है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। क्या बोला, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। कॉपी में नोट कर रहे हो, बना रहे हो रिएक्शन, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिस करना है आपको, बना के देखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको एक बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगा जिसको उपयोग करके बहुत सारे रिएक्शन आप इजीली कर सकते हैं हेलो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, और उसके फिर रिएक्शंस की बात होगी। एक एक करके हम पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, है ना, एकदम एक दिन में बहुत कुछ पढ़ेंगे ये अच्छी बात नहीं होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आपको। तो चलिए अल्कोहल, आप बिल्कुल इस पर ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल की क्रिया जो है HCl की तुलना में HBr में ज्यादा आसानी से होता है और HI में उससे भी आसानी से होता है। बिल्कुल आसान रिएक्शन है कि कोई यौगिक जिसमें OH होता है उसे कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं उसको, अल्कोहल कहते हैं। उसकी क्रिया अगर मैं HI से कराता हूं, सीधा सा जवाब दे रहा हूं मैं आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अगर HI से कराता हूं तो इसका H और इसका OH रिएक्शन करके देखो, H और OH क्या बनाता है बताओ, बोलो जल्दी, H और OH क्या बनाता है। यहां से टूट करके OH अलग हो गया, इससे टूट करके H अलग हो गया, देखो इसको छोड़ के चला गया OH और इसको छोड़ के चली गई H, बस क्या बन गया, ये दोनों मिलकर के बन गया HOH यानी कि पानी, HOH क्या लिख सकते हो, H2O, यस पानी बन गया। अब दोनों तरफ से ध्यान दीजिएगा क्या क्या बचा हुआ है, जल्दी जल्दी देखिएगा, बच्चे बोलते हैं रिएक्शन भूल जाते हैं, कभी नहीं भूलोगे, इधर का बचा हुआ है R, ये लीजिए, और इधर का बचा हुआ है I। रतन कॉपी में लिखो, तुमको भी याद हो जाएगा पूरा पूरा, याद हो गया चलिए हो गया, इस तरह से ये बन गया एल्किल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड बन गया बेटा। अब बताओ, मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे, मैं कहता हूं कि C2H5OH ये क्या चीज है, इथेनॉल है, इथेनॉल की क्रिया में करा रहा हूं इथाइल, इसको क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हो, इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं किससे, HI से, तो बताओ क्या बनेगा। अक्सर यूज होता है, अक्सर ये इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं, बताओ क्या बनेगा, आसान है ना, आसान है ना, अच्छा बच्चे ने बता दिया, वेरी गुड, मेरे बोलने से पहले बच्चे ने बता दिया, मेरा दिखाया सही है सर, हाँ सही है, सत्या सत्य कुमारी बहुत सही है बेटा, बहुत सही है सत्य कुमारी, बहुत सही है, हाँ आपका मैंने देख लिया। तो इसमें क्या होगा बताओ जरा, इसमें होगा ये इसका H और इसका OH, निकल गया बेटा, ये लो मैं इसे पकड़ पकड़ के निकाल देता हूं, चलो तो ये बन गया H2O प्लस, इधर देखो तो क्या बना,
इधर क्या है C2H5, इधर से बचा और इधर से क्या बचा है भाई आई, ये लीजिए आई, तो ये इथाइल आयोडाइड बन गया, इथाइल आयोडाइड या आयोडो आयोडो इथेन। सब सिस्टम है बेटा अलग अलग तरीके से, ये आईयूपीसी वाला नीचे वाला और वो साधारण नामकरण का तरीका ऊपर वाला, तो इस तरह से रिएक्शन होती है। मैं यहां पर जो देता हूं ना, अगर ये आपको पसंद नहीं है तो मत पढ़ो, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूं यहां पर इस पे जरूर ध्यान दिया करो, ठीक है। चलिए उसमें कुछ जानकारी रहती है जिसको आप ले सकते हो। जैसे यहां पर मुझे अगर इसकी रिएक्शन किससे कराना है, HCl से कराना है, तो उस समय C2H5OH की क्रिया अगर मैं HCl से कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, इतनी आसानी से नहीं होगी ये रिएक्शन, क्योंकि आपको पहले ही बताया था HI से होने वाला रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, जबकि HCl से होने वाला दुर्बल होता है, और HBr से दुर्बल होता है और HCl से बहुत कम होगा। तो यहां पर आपको HCl से रिएक्शन कराना होगा तो आपको निर्जल एनहाइड्रस, निर्जल जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। ये जिंक क्लोराइड जो है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यून एक अभिकर क्या बोलते हैं उत्प्रेरक होता है, जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करके इसको तोड़ने का काम करता है इस जगह के बंद को, जिसकी वजह से OH अलग हो जाएगा और H के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया H2O, और क्या बच गया C2H5Cl, C2H5Cl बन गया, ये होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस तरह की चीजें सीखा। फास्फोरस हैलाइड के द्वारा हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं, चलिए कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या है भाई, सुरेंद्र क्या कह रहे हैं, सर को क्या कहें, पी ब्लॉक। बेटा एक बात है, अभी ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक करो फिर पी ब्लॉक करा दूंगा। पी ब्लॉक चालू करूंगा तो 10 लोग ऑर्गेनिक के लिए बोलेंगे, तो मैं ये बोलना चाहता हूं सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अगर आज आपको पी ब्लॉक पढ़ना है तो आप एक काम करिए, हम वीडियो आपको दे चुके हैं, उस वीडियो को आप पढ़ के देखिए, क्लास को करके देखिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब जो लिंक चल रहा है उस लिंक को तोड़वाने के लिए बोलते, जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ा रहा था, तो लिंक तोड़ करके चैप्टर 1 पढ़ाने के लिए बोले, फिर दोबारा पढ़ाया मैंने, चैप्टर 1 को पढ़ाने के लिए जब पढ़ा रहा था तो बोले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम कहां नाचे, समझना, हम कहां नाचे। आप सोचो, मैं आपको बोलूंगा मेरे घर खाना खाने आए हो, मान लेते हैं मैंने रसगुल्ला रखा, बोले खाइए ना, तो आपने खाना शुरू किया, अरे ये खाइए ना, भाई पहले इसको खा तो लूं बोलोगे अब, है ना, नहीं तो उस टाइम तो बड़ी खुशी होगी, चलिए सर बोल रहे हैं इसको भी कम, इसको पहले खा लेता हूं फिर उसको खाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरे के जगह पे गए ही नहीं हो, तीसरे के लिए बोला मैंने ये खा लीजिए, तो होगा क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं, देखो पहले लिखा बच्चे ने ऑर्गेनिक फर्स्ट, देख लीजिए लिखा है, देखिए देखिए देखिए, तो ऐसा होता है ना, तो जितने जैसे डिमांड वैसे काम करना पड़ता है। तो आप पहले पढ़ाई पूरी तरह से करिए, फिर यहां पे बात करते हैं। और ऑर्गेनिक भी, अगर ऑर्गेनिक अच्छा हो गया तो भी आप पी ब्लॉक को अच्छा कर सकते हो। पहले समझो आज फास्फोरस हैलाइड कौन कौन सा है, ये पहले समझे, फिर उसके बाद आगे की रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हम फास्फोरस हैलाइड के द्वारा हम हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे, के द्वारा हेलो एल्केन बनाना, क्या बनाना है बेटा, के द्वारा हेलो एल्केन बनाना, हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ। लेकिन सबसे पहला शब्द आता है फास्फोरस हैलाइड कौन सा है, फास्फोरस हैलाइड्स दो होते हैं, एक होता है PCl3 और एक होता है PCl5। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इनके रिएक्शंस कैसे होंगे यहां पर आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप सुनिएगा। विक्रम सर का ट्रिक है, हैट ट्रिक है, बच्चे बार बार भूल जाते हैं रिएक्शन करना, तो मैं आपको यहां पर वही चीज बता रहा हूं कि ये कैसे रिएक्शन कराओगे इसके साथ, ट्रिक समझो। ट्रिक ये है कि पहले बता रहा हूं मैं PCl5 का ये गुण है कि वो जिस पदार्थ से, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, लिखा ही नहीं है, सुना भी करिएगा,
PCl5 जिस पदार्थ से रिएक्शन करता है, थोड़ा इस तरफ लिख दूं, PCl5 ये पहला बता रहा हूं, PCl5 का रिएक्शन बता रहा हूं, PCl5 जिस पदार्थ से रिएक्शन करता है उसके ऑक्सीजन को वो मांग लेगा। क्यों मांगेगा, कैसे मांगेगा, क्या होता है, ये बात बाद में, पहले आपको जो बोल रहा हूं ट्रिक मतलब यही होता है, पहले समझो कि वो उससे ऑक्सीजन ले लेगा, खुद रखेगा, ऑक्सीजन को खुद रखेगा और ये बनाएगा POCl3। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन रखा तो POCl5 बनना चाहिए था, नहीं, उसके जगह वो उन्होंने दो क्लोरीन दान कर दिया। ये इन्होंने क्या करा, इन्होंने दो क्लोरीन दान कर दिया। मेरी बात समझो, PCl5 उन्हीं यौगिकों से रिएक्शन करता है जिसमें ऑक्सीजन होता है, डालिए, ओके, ठीक है, PCl5 उन्हीं ऑक्सीजन से रिएक्शन, उसी का यौगिक से रिएक्शन करता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को वो ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा क्योंकि फास्फोरस की संयोजकता मूल रूप से कितनी होती है भाई, अगर यहां पर देखें तो ये पांच संयोजकताओं को दर्शा रहा है और क्लोरीन की एक होता है तो सबके साथ सीएल जुड़ा हुआ है, देख लो, और ऑक्सीजन की संयोजकता दो है, तो भाई इसको उन्होंने क्या करा, हटवा दिया और ये जाकर के ये ऑक्सीजन इस जगह पर जुड़ गया, एक संयोजकता सी ये, एक संयोजकता सी ये, मतलब क्या बनाया, POCl3 बन गया। ये छोटी सी बात आपको समझ में आया, क्या बन गया, POCl3 बन गया, क्लोरीन निकला, जब तक क्लोरीन निकलता नहीं ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकता था। ये एक छोटी सी बात पकड़ते, छोटी छोटी बातें इंफॉर्मेशन लेती जाइए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, ओके, चलो, हाँ जी, चलो, ये हो गया बेटा, क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, PCl5 का ये वाला गुण आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लीजिए, अपने आप रिएक्शन करने आ जाएगा, यही तो सीखना है, उसके बाद तो आसान हो जाएगा। दूसरी बात, PCl3, PCl3 के स्ट्रक्चर की तरफ देखो, PCl5, मैं P के बारे में क्या बताया, इसकी ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित तीन, तो इसका मतलब ये हुआ, ये अगर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो इसकी संयोजकता पांच हो जाएगी, ये लो अलग हो गया तो ये सब अलग है, तो यहां पर संयोजकता तीन यहां से और यहां पर अलग अलग हो गया तो पांच हो गया। Cl की संयोजकता एक होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता दो होता है, यह भी पता है, दो इलेक्ट्रॉनों के साथ, चलो ठीक है, इतनी बातें तो हर बच्चे को पता है, क्योंकि किसी रिएक्शन के लिए जरूरत होती है संयोजकताओं को जानना, वैलेंसीज को जानना। PCl3 कैसे है, क्योंकि फास्फोर, देखो PCl5 इसलिए कि पांच संयोजकताओं के साथ यह Cl जुड़ा हुआ था, अगर जानना है तो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, POCl3 बना लेता है यह, ठीक है, यह बन गया। चलो दूसरी बात है, PCl3 का क्या मतलब हुआ, PCl3 का मतलब हुआ P पर तीन, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो बंध नहीं बना रहा है, तीन जगहों पर संयोजकताओं पर सील जुड़ा हुआ, ये PCl3 है। अगर आप ज्यादा गहराई में जाना चाहते हो तो जाना भी चाहिए, इतना बस याद रखना, इधर भूल लो, नो प्रॉब्लम, भूल लो, याद हो गया, ये सब नो, हां जी, कि PCl5 एक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, दो Cl दान कर देता है, ठीक। PCl3 OH ग्रहण करता है, OH की संयोजकता एक होती है भैया, देखिए O की संयोजकता दो, H जुड़ गया, एक ही संयोजकता होगी, मैं हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये OH ग्रहण करेगा, क्या करता है, तीनों Cl को हटा करके तीन बार OH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर OH, OH, OH बन जाएगा, मतलब हमें चाहिए तीन बार OH, समझिए, नहीं समझा गधे हो क्या, सत्यम, अरे इतना नहीं समझ में आया कि PO PCl5 एक ऑक्सीजन बस ग्रहण किया यार, POCl3 बना दे, दो Cl दान करता, इससे ज्यादा मैं समझा क्या रहा हूं भाई, ये क्या है, पेन, नहीं समझ में आया, ये भी बोल दोगे, यही तो गड़बड़ है, इसीलिए तो इसको मैं कोई समझा नहीं पाते, समझाते नहीं, आगे बड़ा बता देते हैं, जाओ बेटा मरो भरो, ये बोलते हैं टीचर, इसी वजह से बोलते हैं कि जब टीचर समझाना चाहता है तो बच्चा बोलता है नहीं समझा,
दिमाग को ब्लॉक कर दिए, तो टीचर ने कहा भी है, तेरे को समझाएगा कौन, आया क्लास खत्म किया, बोलता है यार दिवाली से पहले बोलता है तुम्हारा कोर्स खत्म, तुमको भी पता है कोर्स खत्म, समझा क्या, यही स्थिति आती है। तो इसीलिए समझा, समझने की दिमाग लगाओ तो समझोगे। चलिए क्या बोला मैंने, PCl3 क्या मांग करता है, OH, कितना, एक OH से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तीन OH दो बोल रहा है, इसको आप तीन OH दे दो। तीन OH रखेगा कहां, तीनों Cl को हटाना पड़ेगा, तीन Cl जुड़ा है, तीन OH रख लेगा, तो ये बन गया POH thrice। अब क्या करेगा, तीनों Cl को उन्होंने निकाल दिया, ये लो भाई, इतनी छोटी छोटी बात समझ में नहीं आती है, गधे हो, शिक्षक ने कहा गधे हो, इसका मतलब होता है आशीर्वाद होता है बेटा सक्सेस होने के लिए, सिर्फ इंडियन टीचर्स ही बोल पाते हैं बच्चों को गधे हो, बाकी बाहर वाले नहीं बोलते हैं गधे हो, बाहर वाले बोलते हैं होशियार हो, होशियार हो, क्योंकि वहां के संस्कार प्यार वाली है, हमारे यहां के संस्कार डांट और थप्पड़ वाली, कान के नीचे लाफा मारने वाली है, ध्यान रखो, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया, ऑफलाइन का फीलिंग आ रहा है सर आपके डांट से, ठीक है, ठीक है डॉली, चलो ठीक है, तो टीचर लोग डांटते ही रहते हैं क्या। चलिए इतना याद हो गया कि नहीं बताओ यार, बस मैंने क्या बताया, याद हुआ कि नहीं, क्योंकि इतने ही याद होने से हमारा काम चलेगा। क्या 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 बोला मैंने, देखो ध्यान दो, PCl5 ऑक्सीजन मांगता है, PCl3 क्या मांगता है बोलो, OH, कितने ठो, तीन ठो, चलो साहब क्या बनाएगा ये, एक ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। मैंने याद क्या कराया, ट्रिक क्या था बोलो, ट्रिक क्या था, रिएक्शन क्या था, ये था कि इन्होंने एक ऑक्सीजन लिया तो बन गया POCl3 और उन्होंने दो Cl दान कर दिया। दूसरे में क्या बताया, PCl ये क्या करता, तीनों OH ले लेता है, POH thrice प्लस क्या, तीनों Cl दान कर देगा। बेटा एक बात याद रखो, वो चीज है कि POH thrice जो है उसमें आप क्या देख रहे हो, तीन H है, एक P है और तीन O है, तो इसको इस रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H3PO3 लिखेंगे, फास्फोरस अम्ल, ये बोलेंगे भाई, हो गया ना। चलो POCl5 नहीं बनता है भैया, क्या है, गगन, गगन कुमारी, क्या गुनगुन है, सॉरी गुनगुन है क्या, यहां से वही दिख रहा है मुझे, गुनगुन तिवारी, ध्यान रखो। तो ये जो है यहां पर हमें लिखना क्या होगा, H3PO3, ये छोटी सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको पकड़ते जाना पढ़ाई में। इतना याद हो गया कि नहीं बोलो यार, ये सर नो, नहीं हुआ तो जाओ फिर मुझे बताना जो सिखा दे तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, चैलेंज करता हूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा के रखता हूं मैं, लेकिन हां वो बच्चा सीखने के लिए भी तत्पर हो, पढ़ने के लिए भी तत्पर हो। चलो साहब अब देखो मैंने जो यहां पे बताया, अब बताओ PCl5 किससे रिएक्शन करता है, उस यौगिक से रिएक्शन करता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। मैंने क्या कहा, हेलो भाई एक बार बताओ, मैंने कहा PCl5 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, अब जिसके पास ऑक्सीजन होगा क्या, किसके पास ऑक्सीजन होता है, अल्कोहल, पहला देखो अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे दर्शाते हो, ROH, अल्कोहल से क्रिया, अल्कोहल ROH से क्रिया, तो पहला देखिए ROH प्लस PCl5 से क्रिया, ROH प्लस PCl3 से रिएक्शन। PCl5 जो यहां पे कर रहा है ना वो काम इसके साथ वही सलूक करेगा, समझो, कॉपी में लिखो भाई, मेरे बोलने से अगर आप बोल रहे होगे कि आप सीख रहे हो या आप ऐसे देख रहे होगे मोबाइल खोल करके तो कभी नहीं सीख रहे हो। अब अपने आप को पहचान लो, कभी भी पहचान लो, अगर मोबाइल देख करके आप आनंद ले रहे होगे ना, मजा ले रहे होगे तो नहीं सीख रहे हो। आप तभी सीख रहे हो जब आप अपनी कॉपी ओपन कर लिए हो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा लिख रहे हो। एक बच्चा बोला नहीं समझा, मैंने बोला उसको गोली मार दिया, डांट दिया मैंने उसको,
समझ रहे हो? क्योंकि क्लासरूम में जाते हो तो क्या होता है आपको पता है ना, स्कूल में ट्यूशन वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, नहीं पढ़ रहे हो तुम्हारी गलती, लगा दिए खींच के दो, या बोले यहां से निकलो क्लास से। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि आलतू फालतू लोगों को पढ़ा करके अपना दिमाग क्यों खराब करना भाई। नीट में सिलेक्शन होता है, मेडिकल कॉलेज में अगर एक स्टूडेंट आया गधा टाइप का स्टूडेंट आया तो उसको कैसे पढ़ाएगा? इसलिए पहले एकदम भयानक टेस्ट ले लेते हैं भाई। मैं मेरे वहां प्रोफेसर, जैसे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर समझते हैं या मेडिकल कॉलेज समझता है या इंजीनियरिंग कॉलेज समझता है कि कचरों को लेकर के उनको बार बार सफाई कर करके सिखाऊंगा, उससे बेहतर है कि सबसे बेहतर है हीरो को लेकर के मैं ही चमकाऊं, पत्थर को उठा करके कचरे के साथ हीरो को उठा करके हीरो को और कचरों को समझा हीरा बनाऊंगा, हीरे को चमकाऊंगा, कचरों को चमकाऊंगा, पत्थर को चाहे लाख घीस लो, मिट्टी को चाहे लाख घीस लो, वो कभी हीरा नहीं बन सकता। कांच को कितनों भी चमका लो वो हीरा नहीं बन सकता, वो कांच ही रहेगा। अलग बात है कि चमक जरूर आ जाएगी पर वो कांच ही रहेगा, कीमत नहीं बन सकती। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको हीरा बनना है, आपको हीरा बनना है तो आप हीरे जैसे सुलूक करो, क्लास में भी कॉपी में लिखो, हीरा बनना है तो कॉपी में लिखो। चलो हो गया, ठीक है, क्या इतना क्या याद हुआ ना, ठीक है चलो हो गया। बताओ बेटा पीसीएल 5 क्या करता है, उसका गुण क्या है? वही ये काम करेगा। क्या करता है बोलो? पीसीएल 5 एक ही काम करता है, वो करता है जिधर से भी उसको ऑक्सीजन दिखेगा। हेलो, क्या बोला मैंने? पीसीएल 5 को जिधर से ऑक्सीजन दिखेगा उस ऑक्सीजन को मांग लेता है, भैया मैं लेके जाऊंगा। ये बिल्कुल आप सोच लो, ये प्रेम चोपड़ा है पुरानी फिल्मों का, ठीक है? जिधर भी हीरोइन दिखी ना, पकड़ा और भाग गया, उसको ले जाता है, हीरो से छुड़वा लेता है, ठीक है? वह अलग बात है कि हीरो जीत जाए अलग बात है, लेकिन प्रेम चोपड़ा है वो। अब शायद शक्ति कपूर को जानते होंगे, श्रद्धा कपूर को उसकी बेटी पापा जी हैं। चलिए, तो ये पीसीएल 5 किसको ले लेता है? ऑक्सीजन को मांग लेगा। ये मांगा ऑक्सीजन को, मांगा बना क्या? उत्तर मिल गया बेटा, पीसीएल 5 ने ऑक्सीजन को मांगा, जैसे ही मांगा POCl3 बन गया। देख लो कितना आसान है यार, हो गया। अब क्या हुआ, इन्होंने 2 Cl दिया है, देखो इसको ऑक्सीजन ले लिया, लिया और फिर ये बना और 2 Cl दे दिया। 1 Cl इस H को मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से जिससे भैया पीसीएल 5 ने जिनसे ऑक्सीजन मांगा है उसको भी देगा। क्या देगा? इसको 1 Cl दे देगा, इसको 1 Cl दे देगा। तो क्या हुआ, R को 1 Cl मिल गया, RCl बन गया, और किसको दे देगा? और एक H को देगा, HCl बन जाएगा। देखो रिएक्शन कितना आसान होता है, नीचे करो। हां कठिन समझ रहा था, ये तो इजी है। हर्ष क्या लिखे, गोल्हारी, हां गोल्हानी, हर्ष गोल्हानी ने कहा कि सर मैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कठिन समझ रहा था, ये तो सरल निकला, ये तो इजी है। क्यों कठिन था? क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो। क्यों कठिन था? क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए टीचर्स को आप परेशान करते हो, टीचर को पढ़ाने दो गहराई से, चाहे वो ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे ना टीचर को, तो आपके स्कूल का टीचर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाएगा। आप उसको पढ़ाने नहीं देते, सर समझ में नहीं आया, जहां समझ में नहीं आया बोलोगे ना, वो समझाने की कोशिश को छोड़ करके सिर्फ पढ़ाने की कोशिश करेगा। बेटा 3 चीजें होती है एजुकेशन में, टीचर का टीचिंग 3 मेथड होता है, एक होता है पढ़ाना, एक होता है समझाना, और एक होता है सिखाना। सिखाने लगते हैं टीचर, बोले नहीं समझ पा रहे हैं, तो टीचर ने कहा नहीं सीख पा रहे, तो टीचर ने कहा छोड़ यार समझाने की कोशिश करता हूं। समझाने लगते हैं टीचर, तो आपने बोला नहीं समझ में आ रहा है, तब छोड़ यार, टीचर कहता पढ़ा देता हूं, बात खत्म। उस टाइम टीचर नहीं पूछता समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलता है ठीक है आप पढ़ लो भैया मेरा कोर्स खत्म हो गया, तब समझ में नहीं आता है, तब वो लगता है कठिन। बच्चे ने बता दिया क्या बनेगा, वेरी गुड। अब देखो, अब बताता हूं मैं आपको इसी पीसीएल 5 का खेल करते हैं। चलिए, अगर मेरे पास CH3OH एल्कोहल है,
C2H5OH अल्कोहल है, C6H5OH अल्कोहल है, और इसकी अभिक्रिया PCl5 से कराऊंगा, PCl5 से दिखा रहा हूं ना अब आपको, PCl5 से कराऊंगा तो क्या बनेगा, हर बच्चा बता सकता है, बोलो सही बोल रहा हूं, बताओ क्या बनेगा, बताओ जी, बन जाएगा सबसे। रिया साहू लिख रही कि सर डर लगता था, लेकिन ये तो बहुत इजी है। कितने बच्चों ने लिखा है कि इजी है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, मेरे साथ रहो यार रेगुलर, अपने दोस्तों को जरूर बताओ। तीन हेलो एल्केन के मैंने क्लास लिए हैं, तीनों हेलो एल्केन की जो क्लासेस है ना उनको अपने दोस्तों को शेयर करो एक के बाद एक, और उनको बोलो पढ़ो, आप भागो मत, आधा छोड़ना नहीं। एक बच्चे को बता दिया आपने, शेयर कर दिया, बोले यार देखा था यार मजा नहीं आया, अबे साले तेरे को मजा देने के लिए पढ़ा रहे हैं टीचर, बोलो पिक्चर बना रहा हूं कि तुमको मजा दूं, यहां पर मजा लेने के लिए पढ़ोगे, मजा लेने के लिए पढ़ोगे तो फिर मैं वैसे ही लड़कियां बुला देता हूं गोरी गोरी बहुत सुंदर सुंदर, है ना, फिर अपना दिखा दिखा के पढ़ाएंगे एकदम जलवा दिखा दिखा के, है ना, जब जलवा दिखा के पढ़ाएंगे तो देखना फिर उसको, उसी को देख देख के खुश हो जाते हो, पढ़ाना लिखाना नहीं है, एग्जाम के दिन फिर उसका फोटो छाप देते हो, बेटा देखो पढ़ाई चल रही है बड़ी इजी है, अपने दोस्तों को ऐसे ही बोलना जैसे मैंने अभी डांट के बोला तुमको, है ना। आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करना करने की जगह फिर से मजाक करते रहते हैं यहां पे, है ना, तो ध्यान रखो बेटा बहुत अच्छी बात है, इजी है सर, वेरी गुड, क्या लिखा है, गॉड अमन, वेरी गुड, बहुत इजी बन गया, ये मांगता क्या है यार, चलो मजा ले लेते हैं। PCl5 दिखा, सोचा अबे ऑक्सीजन चाहिए इसको, दे देना भैया, मैंने दे दिया उसको ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन लेता जरूर है लेकिन उसकी जगह 2Cl जरूर दे देता है वो, तो यहां पर POCl3 बन गया और ये 2Cl जो है एक दे दिया CH3 को Cl हो गया और एक दे दिया H को HCl हो गया, है ना आसान। बेटा पढ़ाई में कभी भागना मत ना, जल्दी करो सर जल्दी करो, कभी मत बोलना। दूसरा PCl5 है, ये ऑक्सीजन ले लिया, बोले POCl3 बना, फिर क्या बचा बेटा देखो तो, ये H है, ये देखो C2H5 बचा है, एक C2H5 को H दे दिया, C2H5Cl मिल गया और एक H को Cl मिल गया। इधर देखो बेटा, इधर देखो ये ऑक्सीजन ले लिया, इसने ऑक्सीजन ले लिया, बन गया POCl3, फिर क्या बन गया, एक इसको दे दिया C6H5Cl, इसको मिल गया Cl, दूसरी तरफ H बचा हुआ है, H को मिल गया Cl, है ना बेटा आसान, आसान है ना, बस आसान है कह दो यार, आप अपने मन में एक चीज दो चीज बैठाओ, पहला काम आसान है, दूसरा आलस से छोड़ो पेन और कॉपी उठा लो, मोबाइल मत छोड़ो यार ज्यादा, मोबाइल जहर है, पता नहीं आप लोगों को क्या लगता है, मैं बताता हूं मोबाइल जहर है, लेकिन वही मोबाइल आपके लिए अमृत बन सकता है, आपकी जिंदगी बना सकता है, इस मोबाइल ने मेरी जिंदगी बनाई है, आपकी भी जिंदगी बना सकती है। मैंने बहुत बच्चों को दिया, 1,000 1,500 बच्चों को बैठा के ट्यूशन लिया, बड़े बड़े हॉल में लिया, कितनी पहचान बनती है, एक साल दो साल बाद बच्चे भूल जाते हैं, जब मैं यहां पर हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं लाखों बच्चों को तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, समझ रहे हो, हॉल में बड़ा सा स्क्रीन लगा रहता था, इधर कैमरे लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चा मुझे क्या देख रहा होगा, वो तो स्क्रीन को देख रहा है, फिर भी उतनी आनंद नहीं मिलता क्योंकि वो एक रूम के अंदर, एक हॉल के अंदर, एक स्टूडियो, क्या बोलते हैं, एक स्टूडियो बोल सकते हैं, हॉल बोल सकते हैं, उसके अंदर पढ़ाई होती है, असली पढ़ाई बेटा यहां पे है, समझ रहे हो, क्लासरूम के अंदर क्या आप अपने आप को दिखा पाओगे, हमने वो पर्दे गिरा दिए क्लासरूम के, यूट्यूब में आके, मोबाइल ने जिंदगी बनाया, मेरा भी आपका भी, तो बना लो अपनी जिंदगी, चलो हो गया, हो जाएगा। अब देखते बेटा PCl3 का, PCl3 के वाले बात करते हैं, ये अल्कोहल है और ये PCl3 की रिएक्शन की बात करता हूं, आज बहुत कुछ सिखाऊंगा, मजा आएगा आपको करने में, देखना है ना, थोड़ा सा वर्क दूंगा उसको भी करके दिखाना फिर उसके बाद। PO देखो ये इसके साथ PCl3 क्या कहता है, मुझे OH चाहिए, PCl3 कहता है मुझे OH चाहिए, मुझे O से कोई मतलब नहीं है, H से कोई मतलब, मुझे OH चाहिए भाई, OH, क्या इसके पास OH है, यस आर नो, जल्दी जवाब दो हां कि ना, इसके पास OH है हां कि ना, है यस, है ना भाई, दिख रहा है यार OH यार, अब बोले नहीं दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं फिर, ठीक चलो, तो ये PCl3 को क्या चाहिए, OH, ये OH चाहिए, फिर भी कहता है कि मुझे एक OH से कुछ नहीं करना लेना देना, मैं एक OH से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे OH 3 चाहिए,
अब इसके पास बेचारे पास एक ही ओएच है, कहां से उठा लाएगा तीन तीन ओएच? बोलो क्या आपके पास कोई रास्ता है कि वो तीन ओएच ले आए? बोलो सर, इस वीडियो की क्या प्लेलिस्ट है? बेटा बना हुआ है, आप देख लीजिए, बना हुआ है प्लेलिस्ट, बना हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के नीचे लिंक दिया होगा, रतन जी चेक कर लीजिएगा और कर दीजिएगा उसको, है ना। चलिए तो क्या करेगा बताओ, इसको ओएच चाहिए तीन ठो, ये कह रहा है पीसीएल थ्री तीन बार ओएच चाहता है, तीन बार ओएच कहां से दो भाई, मेरे पास तो एक ही ओएच है। तो ये ओएच क्या करेगा बेटा, तीन बार हमें आर ओएच लाना पड़ेगा। इन्होंने अपने सगा संबंधियों को भी बुला लिया, तीन जने मिला, ये लो भैया एक एक करके हम दे रहे हैं तुमको, तीन तीन ओएच दे दिए इनको। जैसे तीन ओएच मिलता है क्या बनाएगा देखो, तो एच थ्री पी ओ थ्री, मतलब क्या हुआ, तीन ओएच ले लिया ना, ओएच एच तीन ओ तीन, तीन ओएच हुआ कि नहीं, पी एच थ्री पी ओ थ्री बन गया, प्लस तीन बार मिल गया। अब बताओ ये जैसा ये करता है तो इस टाइम क्या करेगा, तीनों सेल को दान कर देगा। मेरे पास तीन आर है बेटा, देखो मेरे पास कितना आर है, तीन आर है, हर एक आर को एक एक सीएल मिल जाएगा, तीन सीएल है तो मिल गया, एक आर को एक सीएल मिल गया, इस तरह से हमारे पास तीन बार आर सीएल मिल गया। कितना आसान है यार, देख लो भाई, कॉपी में लिख रहे हो ना तभी सीख पाओगे, नहीं लिख रहे हो ना मैं क्या कर लूं भाई, क्लासरूम में भी टीचर बोलते हैं भाई लिखना 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 मेरे भाई तब तो सीखेगा, मैथ्स में भी ऐसे बोलते हैं तो नहीं लिखते हैं, तो टीचर बोलते हैं या तो लाफा मार देते हैं, फिर या फिर बोलते हैं भैया तू क्लास से निकल भाई मैं तेरे हाथ पर जोड़ता हूं, या इतना नहीं हुआ तब पेरेंट्स को कॉल जाता है कि भैया आपका बच्चा कुछ करता नहीं मैं क्या करूं। और गवर्नमेंट स्कूलों का तो बहुत बड़ा रोना है कि टीचर स्टूडेंट को निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि हर बच्चे को पढ़ाना है स्कूल तक, बस देखो भाई स्कूल तक ही गवर्नमेंट यानी सरकार साथ देता भाई, कॉलेज स्कूल के बाद कोई साथ नहीं देता, सरकार भी साथ नहीं देता, आपके पास अच्छे मार्क्स होंगे तब कॉलेज मिलेगा, सरकार भी बोल देता हमने तुमको पढ़ा दिया ना फ्री में, बस तुम्हारी औकात नहीं है तुम नहीं पढ़ पाओगे आगे, ये बोल देता है वो, स्कूल तक बहुत कुछ फ्री में हो जाता है, कॉलेज में कौन फ्री में पढ़ाएगा बताना। तो इसलिए याद रखना, स्कूल तक अपने बेस बना लो तभी आप कॉलेज में अच्छा कर पाओगे। ये हो गया बेटा, अब बताता हूं मैं, हाँ जी बच्चे बोल रहे मुझे बेस्ट करना है तो सीख लो, ये बात सीखना बस है, इतने भी सीखना है। चलिए अब मैं दे रहा हूं आपको यहीं पर कुछ और चीजें, वो है CH3OH की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तो क्या बनेगा, चलो बताओ, C2H5OH की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ, C6H5OH की क्रिया PCl3 से कराते हैं तो क्या बनेगा ये बताओ, फिर आगे चीजें बताऊंगा, चलो करो, चलो जल्दी करो, इसको बना के दिखाओ। चलिए जल्दी करिएगा, चलिए मुझे देख पा रहे हैं, बोलिए, हो गया बन गया, क्या महिमा, अनीता, ठीक है, कोमल, सत्या, वह अच्छा, ये एक सत्य कुमारी ने लिखा है, पूरा आंसर लिखा है, बहुत अच्छी बात है, पर एक गलती कर रहे हो बेटा, कहां से मैंने सीएल निकाला है, सत्य कुमारी ध्यान दो बेटा, कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इसको चाहिए तीन बार ओएच, तो तीन बार ओएच दे दो, जैसे इसको तीन बार ओएच मिलता है एक पी को तो क्या बनाता है, एच थ्री पी ओ थ्री बनाता है, प्लस उसके बाद हमारे पास तीन बार सी एच थ्री है और तीन सी एल है, तो एक सी एच थ्री के साथ एक सी एल जुड़ गया, तो तीन बार है सी एच थ्री और तीन बार सी एल, तो इस तरह से तीन तीन ठो बन गया, CH3Cl तीन बार हो गया,
यहां पर इसको बताओ, चलो आपको समय दे रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस जब तक नहीं तब तक कुछ नहीं। चलो बोलो। ठीक, हाँ जी, सब लगभग बच्चों ने बनाने की कोशिश किया। सेकंड में देखें, इसको तीन बार OH चाहिए, तीन बार OH चाहिए, मैंने तीन बार दिया OH, क्योंकि तीन बार मुझे अल्कोहल, तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेकर के मैंने इनको दे दिया तीन OH, तो बन गया H3PO3 प्लस। बताओ प्लस क्या होगा, यहां पर सोचिए, तीन C2H5 है, तीन Cl है, तो एक C2H5 के साथ एक Cl ही जुड़ेगा, तो ये हो गया C2H5Cl, तीन बार बन गया। यहां पर भी वैसा ही, तीन बार चला गया, तो H3PO3 प्लस 3C6H5Cl, ऐसे बनाना है भैया, ऐसे बनाना है। ओके, अगले क्लास में भी आओ, वादा करो, नहीं तो फिर गई आज की मेहनत तुम्हारी, चली गई चूल्हे में, बड़ी जल्दी जल्दी आती है बेटा मेहनत, ध्यान रखना। पढ़ाई की मेहनत एक ऐसी चीज होती है कि एक दिन पढ़े स्कूल, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन नहीं गए, पांचवे दिन गए, तो बोले सर हमने 50% तो गए ही हैं। ऐसे भी नहीं कि आप हफ्ते में अगर 6 दिन क्लास लगती है मंडे से लेकर के सैटरडे तक, और आप हर गुरुवार को आप छुट्टी मार दे रहे हो, तो आपकी पूरी पढ़ाई जीरो हो जाएगी, याद रखना ये छोटी छोटी बातें, आप ध्यान रखो, हमारे साथ भी यही है। चलो हो गया, बन गया। चले एक और बताता हूं, ये हमने किसके साथ देखा, अल्कोहल के साथ, ये याद है ना, ये याद है ना, याद, ये याद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, इसको याद रखो आप। अगला है, दूसरा है, मैं बनाऊंगा ईथर के साथ, क्या है यहां पर, क्या लिखा है, अल्कोहल से क्रिया, अब इसकी क्रिया ईथर से कराते हैं। ईथर होता है ROR- या ROR बस लिख सकते हो, से क्रिया, किसकी क्रिया बोलो, ROR- की क्रिया PCl5 से कराने पर क्या होगा, ROR- की क्रिया PCl3 से कराने से क्या होगा। चलो अब चैट करके, चल पहले कॉपी में बनाओ फिर चैट करके बताओ, बोलो जल्दी। क्या लिखा है हर्ष, क्या नाम है, गुलहानी ना, हर्ष गुलहानी ने कहा सर अब मैं तो सपने में भी कर लूंगा। बहुत बढ़िया, इजी है सर, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सपने में क्या कर लेंगे, कर ही लेंगे ना भाई, अच्छा है, एग्जाम में करना है, आने वाले पढ़ाई को बेहतर कराना है, यहीं से तो स्टार्ट होता है बेटा पढ़ाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कठिन नहीं होते हैं ना, इनऑर्गेनिक के कठिन होते हैं, बस उसको सही तरह समझना होता है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत, बिल्कुल। मैथमेटिक्स में एक बच्चा बोलता है सर मैं गणित वाला हूं तो मैं बहुत मेहनत करता हूं मैथ्स में, तो थोड़ी केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिल पाता, तो थोड़ा इजी करके बताइए, तो क्या मैं यहां पे कठिन करके पढ़ाता हूं बेटा, ये भी एक बात हुई। दूसरी बात, पढ़ना है मेहनत करना है, मैं उस बच्चे को एक ही लाइन बोलता हूं, जितनी मेहनत आपको केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में करना है, अगर प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स को, केमिस्ट्री को नहीं करते, तो कभी केमिस्ट्री पकड़ में नहीं आएगा, याद रखना इस बात को। चलें साहब, और लाइक का बटन तो बतावाने से तो तुम लोग रह ही जाते हो ना, विक्रम सर का क्या मतलब यार, उसको तो प्यार ही नहीं मिलता किसी का, एक लाइक देने से कुछ प्यार नहीं घट जाता आपका ना, हमें चाहिए ना भाई, दुनिया को दिखाना पड़ता है, देखो हमारी क्लास को इतने लाइक दिए हैं, अपने घर में बताता हूँ, मैंने अपनी वाइफ को बताता हूँ, देखो मेरे को आज इतना लाइक मिला है, और बच्चे नहीं देते हैं लाइक तो बोलती है आज तो तुम पढ़ाए हो ना, तुमको किसी ने पसंद नहीं किया तुम्हारी पढ़ाई, ये बोल देते हैं, बताओ तुम, तो आपको लाइक देने को दोगे तभी तो बोलेगी हाँ भाई करके। चलिए साहब आगे बात करता हूँ, क्या करेगा ये PCl5, करता क्या है, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं बता, PCl5 क्या करता है, PCl5 करता है बस, उसको ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन लेकर के POCl3 बनाता है और दो ठो Cl दान कर देता है, दो Cl दान करता है, उन्हीं को दान करता है ना जिससे उन्होंने ऑक्सीजन ग्रहण किया है, तो बताओ ये ऑक्सीजन ले लेगा और बना लेगा POCl3, कितने बच्चों का राइट है चेक कर लेना। अब भैया दो Cl दान किया है, एक Cl दे देगा इनको और एक Cl दे देगा इनको, तो R को मिल गया एक Cl,
आर सी एल हो गया, दूसरा मिल गया आर डैश को मिल गया एक सी एल, तो आर डैश सी एल बन गया। देख लीजिए ये बनाया सत्यम ऑफिशियल ने बनाया, और कौन बनाया? हाँ जी ठीक है, आशीष यादव ने बनाया, अंकित प्रजापति ने बनाया, ठीक है। अब चलते हैं इधर, ये इसमें क्या होगा? चलो इसको सोचो, जब तक मैं और देता हूं आपको बनाने के लिए, जरा सोचिए कैसे बनेगा ये। CH3O CH3 PCl5 का रिएक्शन करके देखो क्या होगा, बताओ जल्दी। CH3O C2H5 PCl5 से रिएक्शन करके बताओ क्या होगा। चलिए भाई बताइए, आज सोच रहे हो ना बेटा? कुछ नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्व होता है ना मैथ्स, वैसे ही केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री सॉल्व होता है, ये भी हल होता है। ये मत सोचो कि किसी ने रट्टा मरवा दिया वही केमिस्ट्री है, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे बच्चे यही सोच के पढ़ाई करते हैं। ये सोच रहेगी तो फिर नीट नहीं निकाल पाओगे, जेई नहीं निकाल पाओगे, ट्वेल्थ तो निकल जाएगा। सोच को बनाना होगा, सीखने वाली केमिस्ट्री की तरफ ले जाना होगा। चले हेलो सर, बना लिए। रंजन कुमार ने कहा है, कुमार चौहान क्या लिखा है, चुन चुन कुमार चुन चुन कसका दो, क्या दो, क्या दो गला, कसाक दो, कसाक दो मतलब ये क्या होता है। चलिए भाई अलग अलग भाषा है लोगों की। ऑफलाइन कोचिंग में सीधे नीचे करो, नीचे करो, हाँ सीधे रिएक्शन बस लिखना, लिखा देते हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ हर्ष को, सीधे रिएक्शन बस लिखा दे, वो भी पेपर देख के लिख देते हैं, ठीक है ना? तो उसमें कहाँ सीख पाओगे, सीखने का यही तरीका है। एक बच्चे ने क्या लिखा, रवि बना ली, ओके चलो देखते हैं कैसे बनाए। PCl5 इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होने वाला है जरा देखें। ये इसको चाहिए ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन लेकर के बनाने वाला है POOCl3+ दो Cl बचा, एक Cl इनको मिल जाएगा, एक Cl इनको मिल जाएगा, ये बना CH3Cl और ये बन गया CH3Cl दोनों तरफ। तो टू से ये इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2CH3Cl भी लिख सकते हो एक साथ, इतने को दो बार अलग अलग लिखने की जगह पे ये लिख सकते हो। यहां पर क्या है, ये ऑक्सीजन की डिमांड कर लिया, मांग लिया ऑक्सीजन, POCl3 बन गया। और बेटा देखो एक CH3 को एक Cl मिल गया, C2H5 को एक Cl मिल गया, तो CH3Cl और C2H5Cl इस तरह से हो जाता है। ऐसा कितने बच्चों ने बनाया बताओ? हाँ कोमल गुर्जर, ओके कोमल गुर्जर ने बनाया है, सहनवाज आलम ने बनाया है, हाँ वेरी गुड, और कुमार चौहान ने, देखो विश्वास मत तोड़ो कसक, अरे उसको भगाओ दो यहां से, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है उसका। कौन है कुमार? हाँ मत, हाँ अभी सिर्फ रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए, अगर वो पढ़ाई पे ध्यान रहेगा तो ठीक है, ठीक है नहीं तो फिर उसको टाइम आउट कर देंगे उसको, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई वाले बच्चे ही मत दिखना चाहिए, कोई इधर उधर वाला बातचीत वाला बच्चे नहीं दिखना चाहिए, हमने हमेशा ये चीज ध्यान रखा है, एक बच्चा नहीं देखेगा तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा रहना चाहिए। 12 हो गया आपसे स्टडी की, मेरी केमिस्ट्री में 93। देखो भाई कोमल ठाकुर ने लिखा है, हेलो सर मेरा 12वीं हो गया है और मैंने मेरी केमिस्ट्री में 93 नंबर आए हैं, फोटो खींच ले। तो क्या कहना है, देखो भाई ऐसे बच्चे रोज आते हैं, कभी कभी आप देखते रहना, बच्चे आते हैं अपने नंबर्स बताते हैं कि भाई इतने नंबर्स उन्होंने प्राप्त किए, इसका क्या मतलब होता है समझ में आया आपको? इसका सीधा सा मतलब है कि आप इस बात को ध्यान रखें। गुड,
किस में? वो टेलीग्राम में, टेलीग्राम में डालते हैं तो नहीं, टेलीग्राम में डाल दिया अगर, ठीक है तुरंत। चलिए साहब हो गया, अब मैं बता रहा हूं यहां पे ध्यान देना दो। पीसीएल थ्री क्या करेगा? पीसीएल फाइव थ्री को क्या चाहिए आपको पता है ना? पीसीएल थ्री को चाहिए OH, और ये बनाएगा, और तीन बार चाहिए तो H3PO3 और तीन सीएल दान करेगा, है ना? यही है ना, यही तो सीखे थे क्या? अब यहां पे देखो बेटा, इस जगह पर PCl3 इनसे रिएक्शन करना चाहता, ऑक्सीजन तो है, तीन बार ऑक्सीजन चाहिए तो मैं तीन से तीन ठो रख लूंगा, थ्री मॉलिक्यूल्स बना दूंगा। लेकिन भाई यहां पर OH है ही नहीं है, ईथर में OH कहां है बताओ? इसमें CH3, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या बनेगा? COC, ये देखो, ये देखो, ये 3H हो गया, यहां पर देखो 3OH हो गया। अब मुझे ये बताओ आप, क्या इसके पास OH है? ईथर के पास OH है? ईथर के पास OH नहीं है, बताओ भाई, ईथर के पास OH है? नहीं है यार, OH नहीं है भाई, OH नहीं है, और मांग रहा है OH दो भाई मेरे को, दे दे बाबा, दे दे OH, ताकि मैं OH को लूं और तुमको सीएल दूं। क्या बोला? ताकि मैं OH लूं और तुमको सीएल दूं और तुम खुश हो जाओ हेलो एल्केन बना करके। पर यहां पर तो ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि ऐसा, एक बच्चे और लिखा है, क्या नाम है उनका? जानवी साहू। कहां से बेटा? जानवी साहू ने कहा है कि सर मैंने आपसे केमिस्ट्री पढ़ी है और मेरा 95 मार्क्स आए थे, प्रणाम सर जी, मैं जानवी साहू। अच्छा जानवी साहू, ये शायद, हाँ इन्होंने मेरे यहां से क्लास लिया था मुझे पता है, और वो जानवी साहू अभी भी मुझे देखती है, मुझे बहुत खुशी हुई। जानवी साहू अभी क्या कर रहे हो बेटा? अभी वो मुझे बताओ जरूर, क्योंकि काफी दिन हो गया आपसे नहीं मिला। आपके चाचा जी आते थे मेरे यहां अक्सर, और आपकी छोटी बहन भी पढ़ाई करी है मेरे पास, और मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे इस टाइम कमेंट कर रहे हो, चैट किए हो, बहुत अच्छा लगा। चलिए तो ये OH यहां पर नहीं है, सो ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो मैं लिखता हूं कोई अभिक्रिया नहीं, या नो रिएक्शन लिख सकते हो, कोई अभिक्रिया नहीं। मतलब यहां पे कोई अभिक्रिया होगी ही नहीं। अरे बाबा, ऐसा भी होता है कि मैंने दो पदार्थ मिला रिएक्शन नहीं करेगा? हमेशा होता है क्या? शक्कर और नमक को मिला तो अभिक्रिया हो जाती है क्या? नहीं होती है। कोई जरूरी थोड़ी कि कोई दो लोग मिले तो तुरंत अभिक्रिया हो ही जाए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलें, हो गया। अब और दे रहा हूं कुछ चीजें, उसे मुझे बताओगे। चलो बताओ, C2H5O C6H5 PCl3 से रिएक्शन, एक बार करके तो दिखाओ, फाइनल में चेक करता हूं क्या होगा, क्या सोचेंगे आप इसको? देखो भाई, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूं, छोटी बात से सीखेगा जो बच्चा वही बड़ी बातों को पकड़ पाएगा, ठीक है? मैं लोहे की चने नहीं चबा रहा हूं, ध्यान रखना, कोई अभिक्रिया नहीं। हर्ष गुलहानी ने कहा, जितेंद्र पटेल जीरो लिखा है, सर मेरा अंकल जी दरोगा सेलेक्ट हो गया है, विपिन यादव नवादा बिहार से, वेरी गुड। और कुमार चौहान, महिमा माफ कर दो, हम कुछ गलती तुम्हें शब्द बोल दिए थे पहले, सॉरी सब नहीं बोलूंगा। किसके बारे में बात कर रहे हो भाई तुम, है ना? चलो ठीक है, सबका मैं चैट देख रहा हूँ बेटा, है ना? चलो ठीक है, बन गया, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं, नहीं होगा ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब आपको कुछ बातें और पढ़ाता हूं मैं, ध्यान से समझो। ये देखिए, ये ईथर से हो गया ना, मैं कराता हूं रिएक्शन अम्ल से, तीसरा है नहीं कीटो एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड होते हैं RCHO से क्रिया। अब फास्फोरस हैलाइड की क्रिया यदि मैं आपसे एल्डिहाइड से कराऊं तो क्या होगा? अब एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? RC डबल बॉन्ड OH।
अब इसकी अभिक्रिया मैं PCl5 से कराता हूं तो क्या सोचोगे बताओ जल्दी से। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच की क्रिया मैं यदि PCl5 PCl3 से कराऊं तो क्या होगा बताओ जल्दी से। चलो जानवी ने कहा है सर ऊपर को नीचे कर दीजिएगा कहां पे। अच्छा प्रिपरेशन कल मेरा जेई का सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम है सो मैंने थंबनेल देखा तो क्लास अटेंड कर रही हूं। ठीक है वेरी गुड बेटा जानवी की बात। और कौन है सर विनो आप बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं मस्त केमिस्ट्री पढ़ाते हैं थैंक यू बेटा जानवी थैंक यू और चलिए साहब चलिए चलिए मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह से सोचते हैं और इतना प्यार देते हैं और इसी प्यार की वजह से तो बेटा हम ठहरे हुए हैं इस दुनिया में है ना और क्या कह सकेंगे है ना। चलिए पढ़ाई करो क्या लिखा है एक मिनट नीचे जितेंद्र सर बायोलॉजी का क्लास कब स्टार्ट होगा किस दुनिया में रहते हैं भाई जितेंद्र कब स्टार्ट होगा क्या यहां पे दो दो बार सर क्लास ले रहे हैं कम पड़ रहा है तुमको। चलो चैनल ओपन करके देखो रोज चल रहा है बायोलॉजी का क्लास कुछ भी बोलते हो यार कुछ भी। चलो बेटा क्या होगा पहला वाला रिएक्शन बना लिए बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं यार गलती मत करो भाई अच्छा नहीं लगता गलती करते हो तो। चलो सोचे यहां पे देखो ये सिर्फ ऑक्सीजन मांग लेगा तो बनेगा POCl3 हो गया। किससे मांगा भाई ऑक्सीजन कार्बन से मांगा बच गया क्या R बचा है C बचा है H बचा है और C की दो संयोजकताएं बच गई हैं देखो दोनों हाथ से छुड़ा लिया ऑक्सीजन जिनसे छुड़वाते हो ना ऑक्सीजन उनको क्लोरीन दे दी जाती है इसने कितना क्लोरीन निकाला है दो क्लोरीन निकाला है तो अब सोचिए कि क्या होने वाला है इससे दो क्लोरीन दो क्लोरीन दो दो जगह से छूटा है ना भाई भाई ऑक्सीजन दो जगह से छूटा है दो हाथ से दो वैलेंसी से सो एक यहां पर और एक यहां पर क्योंकि वैलेंसी तो एक ही होता है क्लोरीन का। बस इतनी ही बात कहूंगा भाई ऐसे ही बनाते रहिए PCl3 से इनकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा भाई इसके पास OH नहीं है यार O इधर पड़ा है H इधर पड़ा है OH साथ में होना चाहिए है ना ब्रेड उधर पड़ा है चटनी इधर पड़ी है दोनों को मिला मिला हुआ चाहिए अलग अलग नहीं मिला के चाहिए तो यहां पर जवाब होगा नो रिएक्शन। अगर मैंने आपसे कहा CH3CHO का रिएक्शन कराओगे PCl5 के साथ तो क्या होगा सोचो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ तो एक ऑक्सीजन तो इन्होंने ले ही लिया तो बन गया POCl3 प्लस यहां पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा CH3 है CH है ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा था ऑक्सीजन उसके हाथ से छुड़ा दिए दोनों वैलेंसी अलग अलग हो गया दो Cl जुड़ गया एक Cl यहां पर एक Cl यहां पे बस यही कहानी है यार बहुत आसान है जिसको नहीं समझ में आया होगा या जिन्होंने समझने में थोड़ी कमजोरी कर दिए होंगे उनको कहूंगा कि यार एक काम तो कर दो क्या बोलना पड़ेगा क्या। तो अब सबसे पहली बात बता दूं एक रिएक्शन का नाम लिखिएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन ये कितना आसान है देखिएगा कॉपी और पेन लेके बैठ गया है ना तो बिल्कुल हर चीज समझ में आएगा इतना तो कहूंगा। इसका फॉर्मूला कहां मिलेगा बेटा ये इतने सारे क्लासेस आप चल रहे हैं तो फिर कैसे बात कर रहे हो इसके प्लेलिस्ट में शामिल हो रहा है हेलो एल्केन के प्लेलिस्ट में न्यू वाले प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही होगी आप देख लीजिएगा। चलिए साहब हम बात करते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधि में। यहां पर एक बात हमेशा याद रखना फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के द्वारा हम यहां पर हैलाइड एक्सचेंज करते हैं एक हेलो एल्केन को आयोडाइड हेलो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं मतलब आयडो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं कैसे तो इसके लिए ध्यान रखना RCl यह है क्लोरो एल्केन दूसरा देखते हैं RBr यह है ब्रोमो
एल्केन, इसकी क्रिया कराई जाती है किसके द्वारा? एनएआई के द्वारा। इनकी क्रिया कराई जाती है एनएआई के द्वारा। मैं आपको यहां पर थ्योरी भी लिख दिया हूं ताकि आपको कुछ चीज कोई चीजें समझने या परेशानी ना हो इसके लिए। तो क्या करते हैं, इसके साथ इनको गर्म करते हैं। देखिए, क्लोरो एल्केन को या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या करता है ये सोडियम, बस एक सिंपल सा काम होने वाला है। ये सोडियम जो है इस क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा। आप जानते हो बड़े स्थाई पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये दोनों मिलकर के बना लिया, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव, बच गया आर और आई, तो क्या मिल गया, आर आई बन गया बेटा। तो ये है, ये है आयोडो एल्केन। इस तरह से आयोडो एल्केन बनाने की विधि है ये। हैलाइड एक्सचेंज क्यों बोले हमने, क्योंकि हैलाइड का, इसका हैलाइड जो है क्लोराइड है या फिर क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, इसको हटा करके आयोडीन जोड़ दे रहा है। ऐसा हुआ है ना, देखिए यहां पर क्या होगा बताओ तो जरा। इस वाले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा आपसे, क्या होगा कि एनए जो है इसके बी आर को लेकर के निकल गया, तो एन ए बी आर और फिर बन गया आर आई। इस तरह से आयोडो एल्केन बनता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल दे दूं तो क्या आप बना लोगे? जैसे मैंने कहा C2H5Cl की अभिक्रिया NaNaI से कराओगे तो क्या होगा, C2H5Br की क्रिया NaI से कराओगे तो क्या होगा, क्या आप ये रिएक्शन कर पाओगे बोलो? मैंने कहा है बेटा कि जीरो लेवल के बच्चे जिसको कुछ भी नहीं आता वो सीख सकता है, तब यहां पर आने के बाद आप और ज्यादा स्पीड की मांग करोगे और ज्यादा फास्ट होने की मांग करोगे। ये तो मुझे समझ में आ रहा है पूरी बात है। तो चलिए ये बन गया सबका, ये साथ नो में जवाब दीजिएगा। और बेटा लाइक बटन जरूर दबा दिया करो यार, ताकि मैं, मेरे मन में एक चीज है ना कि बच्चे का समर्पण दिखाई देता है हमारे काम के प्रति, हमारे चीजों की मांग के प्रति, हमारी चीजों को आप मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं इसकी जानकारी मिलता है। क्या ये रिएक्शन बन जाएगा आपसे? कितना आसान रिएक्शन है बताइए आप लोग। आशीष बाबू बताओ बेटा बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए। सर फॉर्म कैसे भरें आपको बेटा? एक नीचे मिल रहा होगा ये फॉर्म, देखो यहां पर चैट में आ रहा है, उसको क्लिक करोगे अपने आप वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो जो नंबर बताया था उस पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए हाँ जी, व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो उस नंबर पर। हाँ जी चलिए जल्दी जवाब हो गया। हाँ क्या होगा बताओ, ये Cl को लेकर के Na निकल जाएगा, NaCl बनेगा प्लस I इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5I। दूसरी बात होगी यहां पर भी Na निकल जाएगा NaBr बनके, और क्या बच गया, इधर से C2H5 बचा, इधर से I दोनों जुड़ जाएगा C2H5I। इसी तरह के रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन बहुत सरल होता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा यस सर, हां सर बन जाएगा सर, बिल्कुल सही है। और ये क्या बना है, इसका नाम क्या होगा, आयोडो इथेन। चलिए साहब अब ये हो गया एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब बच्चा बोलेगा सर मुझे फिंकलस्टीन रिएक्शन याद करने के लिए मुझे क्या करना है? बस याद रखना दो बातें। पहली बातें, सोडियम आयोडाइड के द्वारा हैलोजन विस्थापन। मैंने कहा आप याद रखें, याद रखने के लिए ट्रिक क्या होगा आपके पास, ट्रिक होगा फिंकलस्टीन याद रखना, नाम याद रखना, और उस नाम के साथ ये ट्रिक याद रखना कि सोडियम आयोडाइड के द्वारा हैलोजन विस्थापन, इतने शब्द में पूरा खेल छिपा हुआ है, इतने शब्द में पूरा खेल छिपा हुआ है। मैंने जो कहा ध्यान दीजिएगा, इतने शब्द में पूरा खेल छिपा हुआ है। फिंकलस्टीन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या छुपा हुआ है बोलो, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या छुपा है? क्या बोला मैंने, फिंकलस्टीन रिएक्शन
क्या बोला मैंने, ट्रिक क्या बोला याद रखने के लिए, इसको लिखेगा नहीं, लिखना तो ये है थ्योरी में, मैं कैसे लिखना थ्योरी ये भी बता देता हूं, अब परेशान मत होइए। फिंकलिस्ट में क्या ट्रिक है, ट्रिक ये है कि सोडियम आयोडाइड के द्वारा हेलोजन, क्या बोले, हेलोजन विस्थापन, ये या फिर इसको आप कह सकते हैं एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ये करने के बाद आपके पता चला कि भाई ये किसको हटा सकता है, सोडियम किससे रिएक्शन ज्यादा करेगा, आयोडीन से नहीं, उससे कमजोर रिएक्शन हो तो वो किससे ज्यादा रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, तो यहां पर होगा RCl, याद रखिए NaI के साथ रहे, याद रखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हैलोजन ये सी के द्वारा एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं। फिर ये RBr, बस इतना याद रखो, ये हो गया रिएक्शन, सारे बच्चे समझ गए हो, अब इधर क्या आएगा ये भी समझ गए, इसके साथ गर्म करने की बात होगी। ठीक है, महिमा सिंह कहां जा रही हो, महिमा सिंह कहां जा रही है, चलिए सब आगे बात करते हैं। अगला एक रिएक्शन है हुंसडीकर, हुंसडीकर बोरोडीन अभिक्रिया, क्या है, हुंसडीकर बोरोडीन अभिक्रिया, हुंसडीकर, इस अभिक्रिया में एक बात याद रखना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कराई जाती है ब्रोमीन के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड यहां पर होता है विलायक, ये इसमें घुला हुआ है, सिल्वर हैलाइड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। अब इसको गर्म करते हैं, रिफ्लेक्सिंग करते हैं, पुनर्गलित करते हैं, पुनर्गलित करने का मतलब होता है कि बार बार गर्म करना। अभी इसको मैं थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझाऊंगा तो वो बात एकदम आसान लगेगा आपको, फिलहाल इतना ही जान रखा, गर्म करते हैं। तो इसका एक एजी एक बीआर, ये एजी जो है इसके एक बीआर के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, एजी बीआर, हमेशा रिएक्शन संयोजकताओं की वजह से होती है, आपको पता है, और संयोजकताएं सबकी पता होनी चाहिए, मैं लाइन से पढ़ाते आ रहा हूं, पिछली क्लासेस नहीं पढ़े हो तो मुश्किल है भाई, इसलिए आप लाइन से पढ़ो, और पिछली क्लास नहीं पढ़े तो जाके पढ़ो फिर इधर आते जाओ। चलिए साहब अब बात करता हूं मैं, अब क्या है, आपने इसको गर्म किया तब की स्थिति में एक बीआर बचा हुआ और इतनी पार्ट बचा हुआ है, इसमें से ये वाला भाग जो है CO2 बनकर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, अब जो बचा हुआ है इधर का R बचा हुआ है और इधर का एक BR बचा हुआ, BR बचा हुआ, तो ये दोनों मिलकर के बन जाएगा RBr, यानी कि ब्रोमो एल्केन बनता है इस विधि से। ब्रोमो एल्केन बनता है इस विधि से। अब समझोगे यार एक बात कि मैंने लिया C2H5COOAG, रिएक्शन बेटा ब्रोमीन के साथ हो रहा है और CCl4 के साथ हमने इनको रिएक्शन कराया, गर्म किया, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, इसमें क्या बनेगा बताओ बेटा, सारे बच्चे जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए वो तो बता ही सकते हैं। चलो सर प्लेलिस्ट नहीं बना रहे हो क्या, अरे भाई प्लेलिस्ट बन रहा है, बन नहीं रहा है क्या, सारे प्लेलिस्ट बन रहे हैं और सारे प्लेलिस्ट है अवेलेबल, देखिए जाके प्लेलिस्ट पूरे बन रहे हैं, और न्यू प्लेलिस्ट बना ही कि नहीं, हेलो एल्केन का सब बन रहा है, सब बन रहा है, अभी दिखाना मुझे, अगर नहीं दिखेगा तो मैं अभी अब भी सुधार करूंगा आज, है ना, प्लेलिस्ट को चेक करूंगा बेटा, आपने पूछा है तो मैं आपकी बात सुनता हूं, जाके चेक करता हूं, हम तो बना रहे हैं पर हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो तो हम कुछ हम उसको सुधार करेंगे, अभी करवाता हूं, चिंता मत करिए। चलो बताओ क्या बना, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसका एजी इसके एक बीआर से मिलकर के बनाया एजीबीआर, दूसरा इसका ये सीओओ जो है सीओ टू बन के निकला, देखो कितना आसान है, गैस है इसलिए मैंने एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, फिर देखो इधर से सी टू एच फाइव बचा है, इसमें से एक बीआर बचा हुआ है, दोनों मिलकर के बनाएगा, क्या बनाएगा, सी टू एच फाइव बीआर,
ये हुंसडीकर अभिक्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आते हैं। इस विधि से क्या हो रहा है देखो, इसमें जितने कार्बन होंगे ना उसकी तुलना में, इसमें टोटल कार्बन कितने बेटा देखो, 3 कार्बन है, ध्यान देंगे, लेकिन बने हुए हेलो एल्केन में या ब्रोमो एल्केन में कार्बन की संख्या कम हुई है, तो इस विधि से कार्बन की संख्या में कुछ कमी होती, कार्बन चेन छोटा होता है, यही बोला गया है। ठीक है, चलिए बोलिए, ये रिएक्शन हुआ। तो दो रिएक्शन अभी आपने देखा। एक बात बताना चाहूंगा, आपने जितनी भी विधियों से रिएक्शन या हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़े हो, उन सारी विधियों में एक और बात बताता हूं, फिर उसके बाद इसका माइंड मैप बताता हूं। आजकल लोगों में बड़ा जोश लगा हुआ है माइंड मैप का, बहुत जरूरी है ये, हम लोग उसी पर पढ़ते हैं, वो इसी चीज पर काम करते हैं, उसे एग्जाम में नहीं लिखा जाता लेकिन हम शॉर्ट कर सकते हैं, वो क्या चीज होता है मैं बताना चाहूंगा। चलिए चलिए देखते हैं शॉर्ट में, हम जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं ना बनाने की विधि में, वो उसका माइंड मैप बनाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में फिर इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर उसका माइंड मैप बनाएंगे लास्ट में। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी। चलिए एक रिएक्शन और बताता हूं मैं आपको, ये होन्सडीकर बोरोडिन क्लियर है ना आपको, बोलो क्या इसको बना सकते हो C6H5COOAG का होन्सडीकर बोरोडिन अभिक्रिया क्या होगा, ब्रोमीन के साथ CCl4। ये एक्चुअली क्या है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उसमें हम सिल्वर के इस लवण को घोल सकते हैं, इसका विलायक है, हम जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये सिल्वर और इसका ये ब्रोमीन रिएक्शन कर लेगा, AgBr बन के निकल जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा और प्लस बच गया है C6H5Br। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर इस जगह पर एक Br जुड़ा हुआ है, इसको ब्रोमो बेंजीन कहते हैं। ठीक, कुछ बच्चों ने बता भी दिए, बहुत अच्छी बात है कि अब आप सीख रहे हैं। एक बार और सर जी, हो तो गया और कितने बार, एक बार और तो पीछे कर लो ना वीडियो, वो भागे थोड़ी जा रहा है हा? वैसे एक बार वो कर कर करके तो क्लास आगे बढ़ेगा ही नहीं कभी, है ना, तो थोड़ा देखा करो, आपको आगे बढ़ना है तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं समझ पाए तो पीछे कर लो यार, बस बात खत्म, कोई कठिन काम तो है नहीं है। चलिए साहब, हम एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, एक पदार्थ है हमारे पास SOCl2, इसको कहा जाता है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड की के बारे में ट्रिक याद रखिए, ट्रिक याद रखिए कि थायोनिल क्लोराइड जो होता है SOCl2 जो है केवल ऑक्सीजन से क्रिया करता है। पिछली क्लास में जब आप रहे ना, PCl5 क्या करता है, ऐसा ही ये रिएक्शन है, एक और क्या करेगा, ये ऑक्सीजन लेगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, SO ऑक्सीजन ले लेगा तो बन जाएगा SO2 प्लस, ये दोनों Cl को दान कर देगा, ये लीजिए। रतन जी पूछो तो पिछले क्लास में कितने बच्चे रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 में, तो आप जो बच्चे पिछले क्लास में रहे इसको बना सकते हैं। चलिए इसको बना के दिखाइए, ये अल्कोहल मैंने लिया है ROH, क्या SOCl2 का रिएक्शन करके दिखा सकते हो मुझे, यानी C2H5OH SOCl2 वाला रिएक्शन करा सकते हो, CH3CHO SOCl2 का रिएक्शन करा सकते हो, C2H5OCH3 SOCl2 का रिएक्शन करा सकते हो। अगर पिछली क्लास में आप रहे हो और पूरा पढ़े हो तो बिल्कुल 100% श्योर है कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, मैंने ये बात बता दिया, आप ये कर सकते हो। चलो करके दिखाओ, बताओ जल्दी,
क्या लिखा है नीचे ऊपर करने ऐसा नीचे हाँ सर एक पी एस क्या पी एस वर्षा कह रही हैं कि भाई सर यूट्यूब पे लाइव क्लास चलेगी तो जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वो कैसे करेंगे। अच्छा मतलब पैसा बर्बाद हो गया सोचते हो आप है ना बेटा। पेड कोर्स अलग होता है यूट्यूब अलग होता है फ्री कोर्स अलग होता है आप ये जानते हैं। और ये अगर आप नहीं जानते तो अगर आपने ज्वाइन किया है तो उसको पढ़ो और एक बार देखो तब कंपेयर करोगे कि आप कंपेयर करके देखना कि आपको कहां पे क्या मिला। यूट्यूब पे हम कितनों भी अच्छा देने की कोशिश करेंगे यहां पे भटकाव है देखिए समझ रहे हैं ना भटकाव है यहां पे बस यही एक फर्क है वहां पे। और क्या है भाई विक्रम सर गहगर गहनवार सर मैं आपको बहुत दिनों से धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं मिला सर मैंने आपकी और आपकी टीम की वजह से यूपी बोर्ड 2022 में 89% प्राप्त किए हैं। वेलकम बेटा आपका नाम भी मेरे नाम जैसा है अच्छा लगा सुन के और आपके अच्छे मार्क्स हैं और बहुत अच्छी बात लगा मुझे ठीक है। तो अभी पिछले क्लास में 69% बच्चे थे और आप लोगों से ये बन गया है देख लीजिए कैसे बना है जरा सोचिए भाई ये क्या करता है ऑक्सीजन इनसे ले लेगा ये ले लिया इसने तो बन गया ये SO2। अब इन्होंने दो सीएल दान किया है एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक के साथ हो गया RCl और दूसरे H इनके साथ हो गया Cl के साथ तो HCl बन गया। दूसरे में क्या है ये ऑक्सीजन ले लिया फिर वही बात SO2 बन गया इधर C2H5 बचा इधर H बचा है तो C2H5 ले लेगा Cl और H ले लेगा Cl। फिर इस तरफ चलो इस जगह पे क्या होगा ये ऑक्सीजन ले लेगा पर CH इसके स्ट्रक्चर कैसा है सी अच्छा वो लेकर के क्या क्या बन गया SO2 बन गया। अब ये तो बन गया SO2 दो सीएल दान हुआ और दोनों सीएल इस ऑक्सीजन की जगह पे जुड़ जाएगा तो क्या हुआ क्योंकि मैंने कहा था जिससे वो ऑक्सीजन लेता है उसको वो क्लोरीन दे देता है तो CH3 सी डबल बॉन्ड O और H इसकी संरचना सूत्र है। तब ये ऑक्सीजन तो ले लिया तो ले लिया तो कार्बन के दो संयोजकता है बची भाई एक सीएल यहां पर एक सीएल यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं CH3CHCl2 लिख सकते हैं। इस जगह पर क्या हुआ इसने ऑक्सीजन लिया देख लो भाई कंटिन्यू आना जरूरी है एक दिन आए एक दिन नहीं आए क्या कर लूंगा मैं आप क्या कर लोगे ठीक है ना यही यही फर्क होता है पेड कोर्स में और यूट्यूब के कोर्स में। अब समझ में आदमी जब तक बंधता नहीं है ना तब तक पढ़ता नहीं है और जब तक लोग आपसे बंधे हुए नहीं है ना उसको कितनी भी कोशिश कर लो पढ़ाने की वो पढ़ ही नहीं सकता है समझ रहे हैं ना यही एक खास बात होती है तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये जरूरी होता है। अब देखो भैया ये C2H5 एक Cl के देखो दो पार्ट मिला दो Cl बचा है एक इनके साथ जुड़ गया C2H5Cl प्लस इधर है CH3CH3Cl इस तरह से एक जबरदस्त रिएक्शन आप कर लिए। लेकिन मौर्या भाई आप पूछ क्यों रहे हो क्या क्या पूछ क्या रहे हो अच्छा क्यों रहे हो कि क्या रहे पता नहीं। राहुल क्या लिखा है सर जी मेरे आपसे ये चैप्टर पहले ही पढ़ लिया था जो अभी तक याद है। अच्छा वेरी गुड बेटा राहुल ने पढ़ लिया है ये क्लास हाँ जी याद है ना पूरा। सोनिया क्या सत्य कुमारी अच्छा उसने जवाब दे दिया है सत्य कुमारी आपने गलत रिएक्शन लिखा है। देखो बेटा गलतियां करोगे हम नहीं जानते हमने आपको एक एक चीजें सिखाया है स्ट्रक्चर से जहां से निकलता है वहीं पे क्लोरीन जहां से ऑक्सीजन निकलता है वहीं पे जुड़ता है आपने तो पूरा काट डाले हो इधर सीएच किधर भगा गया आपने बताइए। तो थोड़ा सीखो भाई रेगुलर रहोगे तो सीखोगे प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे।
जहां से मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस कराना शुरू किया वहां से करते आओगे तो सीखोगे। ऐसे हवा में कोई सीख नहीं जाता है। इसीलिए एक ही बात है, हमेशा ब्लेम होते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि यार पढ़ने वाले नहीं बच्चे होते, ये ब्लेम होते हैं। ये धारणा को हटा दो बेटा, तोड़ दो तुम लोग इस धारणा से कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ते नहीं। तुम लोग पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, तब हो पाएगा, तब कहेंगे भाई हां पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास है। एक बात बताता हूं, माइंड मैप बनाता हूं। चलिए इसको बनाने की विधि का माइंड मैप बनाता हूं। चलो ठीक है कि बनाते कैसे हैं कि तो जितने चीजें हमने पढ़ा उसका माइंड मैप बनाते हैं। तो हेलो एल्केन हेडिंग लगाओ, चलो हेलो एल्केन बनाने का माइंड मैप, यानी एक तरह का फ्लो चार्ट होता है, ये समझो एक तरह का चार्ट बना रहे हैं। चलो बनाने की विधि में कौन कौन सी विधि थी भाई, कैसे कैसे हम बनाते थे कि हम बनाते थे एल्केन से। एल्केन एल्केन की क्रिया जब हम हैलोजन से कराते हैं, कोई सा भी हैलोजन, तो इससे बनता है हेलो एल्केन। एल्कीन से भी बनता है, एल्कीन की क्रिया किससे कराते हैं, एल्कीन की क्रिया कराते हैं किसी एच एक्स से, हैलोजन हाइड्राइड से, इसी तरह से एल्कोहल से, एल्कोहल एल्कोहल से। तो एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं, एल्कोहल से अब कराते हैं तो PCl5 या PCl3 या SOCl2, इनमें से कोई से भी रिएक्शन करा के बना सकते हो आप। देखो मैं सबके बनाने की विधि को बताता हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा। और किससे बना सकते हो आप, एल्केन से, एल्किन से, इनसे। आप कोई दूसरे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड से दूसरे एल्किल हैलाइड का उपयोग करके। मैं यहां तक एक बात बता दूं, आप चाहो तो ईथर से भी बना सकते हो। एल्कोहल क्या होता है, आर ओ एच होता है, इनसे बनाने की बात हुई। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब बोलूंगा ईथर से, ईथर में आर ओ आर डैश, इनसे भी बना सकते हो। तो इनके लिए कौन सी चीज उपयोग कर सकते हो, पीसीएल फाइव, PCl3 से नहीं बना सकते ना, इसका उपयोग SOCl2 का उपयोग करके बना सकते हो। अच्छा बड़ा लिखने के लिए बोलो, तो बड़ा लिखूंगा तो बेटा माइंड मैप बनेगा कैसे, इतनी बड़ी चीज कैसे बन पाएगा। थोड़ा आप एक काम करो, रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लो, 360 कर लो, दिखेगा। मेरे मोबाइल में दिखता भाई 360 में, बता दूं आपको, ज्यादा डेटा नहीं लगता, परेशान मत होइए। ठीक, अगर इसको बड़ा बनाऊंगा तो माइंड मैप बनाऊंगा कैसे भैया, सोचो जरा। हाँ, और एक और तरीका है कि RCOOAG की क्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कराता हूं, CCl4 के द्वारा। तो इनमें से किसी भी विधि द्वारा मैं बना सकता हूं यहां पर RX। तो RX बनाने की विधियां ये लीजिए, ये हो गया बनाने की विधि। अब इसके बाद की विधि के लिए, मतलब अब इधर इधर क्या होगा, ये रहा बनाने की विधि है, हमने ये बनाना है इनसे, और सारे रिएक्शन आपको करने आता है, ये है माइंड मैप। अब इसके रिएक्शन करके देख लो, अब इस चीज को एक्सप्लेन कर, इतना आपको ध्यान रखना भी, मैं हेल्केन एल्केन की मैं हाइड्रोजन से क्रिया कराऊंगा, एल्केन की मैं हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराऊंगा, एल्कोहल की पीसीएल फाइव पीसीएल थ्री एसओसीएल टू से कराऊंगा तो बनेगा, ईथर की इनसे कराऊंगा, ये एक तरीका है। इस तरह से एक चार्ट बन जाता है। अब बात होगा कि हमें रासायनिक गुण भी पढ़ानी ना इसका, तो यहां पर रासायनिक गुणों के बारे में भी इधर की बात नहीं होगी। रासायनिक गुणों में क्या, जैसे इधर जाएंगे तो रासायनिक गुण में, जैसे मान लेते हैं मैंने इसकी सोडियम से रिएक्शन कराया, वुड्स रिएक्शन, तो बनेगा भाई आर टू बन गया। तो यह चीज इसके रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं अब इसके बाद, लेकिन पहले भौतिक गुणों को आपको मैं थोड़ा समझा दूं, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, लिखोगे तब दिमाग में जाएगा जी।
एक बच्चे ने लिखा है सर मेरे 95 आए क्यों, दिवंश, क्या लिखा है, दिवंश ने लिखा है सर मेरे 95 मार्क्स आए हैं आपकी क्लास की वजह से। बेटा देखो कितने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हो यार, मेरे को लगता है यार कि काश मुझे कोई पढ़ाता, काश कोई विक्रम सर मिलता मुझे उस टाइम पे पढ़ाने के लिए जो आपको मिल गया। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं भाई, मैं विक्रम सर की जरूरत की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। आप भी बिना कोई हिचक के पढ़ाई करते जाइए, आप नहीं सीखोगे तब बोलना अरे यार एक दिन आए, एक दिन 800 बच्चे आए एलवेलकेन के दिन, आ जाने 300 बच्चे, शर्म करो भाई। एक दिन पढ़ते हो एक दिन नहीं पढ़ते, एक दिन पढ़ते हो एक दिन नहीं पढ़ते, शर्म करो यार। कौन सिखा पाएगा, कौन आएगा आज मेरे क्लास में झाके एक बढ़िया सा थंबनेल देख करके, कल किसी और का थंबनेल देख करके उसमें चले गए, किसी दिन और किसी का थंबनेल देख करके चले गए। थंबनेल एक माया जाल है, बता रहा हूं मैं आपको। एक मेनका है जो नाचती है, किसी की भी तपस्या भंग कर सकता है। थंबनेल के पीछे भागे, थंबनेल में कुछ और दिख रहा है, अंदर गए तो कुछ और दिखा, नीचे दिमाग खराब हुआ, गाली बक के आ गया। मत ऐसा करो यार, बर्बाद हो जाओगे। स्टूडेंट हो, भटको मत, बस इतना ही कहूंगा। रविंद्र ने क्या लिखा है, सर केमिस्ट्री इतनी सरल हो जाएगी आपकी क्लास लेने से, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, काश मैं 12th में आपकी क्लास ज्वाइन करता तो मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी होती। जैसे रविंद्र जैसे बोल रहे आज पछता रहा है कि मैं क्लास नहीं ज्वाइन किया, जबकि वो क्लास 12th निकालने के बाद वो मेरे क्लास के बारे में जाना और उसने पढ़ाई किया, उसको केमिस्ट्री इतनी सरल लग रही है। तो वही कह रहा हूं भैया, आप जिनको पता चल गया है वो गलती मत करो, इधर उधर भटको मत। अब यार बेटा बोल सकता हूं, करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी, हमको क्या करना है। चलिए सब आगे पढ़ाते हैं, हम आगे पढ़ाते हैं, सीधी दो टुक बातें। अब बात करूंगा मैं हेलो एल्केन के भौतिक गुणों की। हेलो एल्केन का भौतिक गुणों में किन किन चीजों को हम देखें, पहला इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, यानी कि ठोस द्रव गैस क्या है, इसका गंध कैसा होता है, स्मेल कैसा होता है, ऑर्डर कैसा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, विलेयता, घनत्व के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। चलिए कॉपी में लिखना जरूरी है, ये चार चीजें आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। दिनेश प्रजापति जी पूछ रहे हैं कि कितने का है, वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया, आरंभ है उसमें देख लीजिए, या फिर जो नंबर में कॉल कर लीजिए, या फिर आप अभी काफी सस्ते में मिल रहे हैं, आप जा सकते हैं। भाई ये सब बात मत क्या करो यार पढ़ाई के टाइम पे। चलो भौतिक अवस्था तथा गंध, हेलो एल्केन कैसा होगा, हेलो एल्केन के बारे में जानिए थोड़ी सी, कि हेलो एल्केन में एक कार्बन वाला यानी कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये सभी हमारे सामान्य ताप पर गैस होता है। ये पहली बात, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, ये सामान्य ताप पर है यानी हमारे तापमान पर गैस है। लेकिन इथाइल आयोडाइड, ध्यान रखेंगे दूसरी बात है, इथाइल आयोडाइड द्रव होता है और गंध मधुर गंध होता है, अच्छा लगेगा सूंघेंगे तो। तीसरी बातें, जैसे जैसे अणुभार बढ़ती जाती है वैसे वैसे गैस से अधिक अणुभार वाला द्रव और अधिक अणुभार वाला ठोस होता है। भौतिक अवस्था के बारे में पता चल गया, नोट करना है भाई कॉपी में। अब क्वथनांक के बारे में कुछ जानकारी। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलता है, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव उबलता है। अब बात करें कि हेलो एल्केन का क्वथनांक जो होता है एल्केनों के क्वथनांक से अधिक होता है, मतलब मैं ये कहूं मीथेन की क्वथनांक CH4 से अधिक क्वथनांक होगा CH3Cl की। ध्यान दीजिएगा, मीथेन से क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन जुड़ा है ना, तो हैलोजन का क्वथनांक अधिक होता है उसके एल्केन से। इसका मतलब यह भी हुआ कि C2H5
C2H6 से अधिक क्वथनांक होगा C2H5Cl का, ये बात है यहां पर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर केवल वंडरवॉल बॉन्ड होता है, लंदन बल होता है, जबकि यहां पर ध्रुवीय होने की वजह से यह अधिक आकर्षण बल रखता है। समान एल्किल समूह वालों में हैलाइडों के क्वथनांक उनमें परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो यहां पर एक ध्यान रखिएगा, इस लाइन में क्या कहा गया है, इस बात को समझें। आर सी एल की तुलना में आर बी आर का क्वथनांक अधिक होगा, आर आई का क्वथनांक अधिक होगा, हैलोजन परमाणु के परमाणु भार बढ़ने से बढ़ता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि CH3Cl से अधिक CH3Br, और यार मैं क्या लिख डाला, मिटा डाला था, CH3Br इससे अधिक CH3I का क्वथनांक होगा, C2H5Cl से अधिक C2H5Br, यानी कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से की तरफ जाएंगे तो उसका क्वथनांक में वृद्धि होता जाएगा C2H5I, ये कह रहा है। कॉपी में जरूर नोट करिएगा, बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको। हेलो रूप, किशर, सौरभ, हाँ बेटा सबको हेलो। चलिए दूसरी बात है क्वथनांक में, एक बात और ध्यान रखिएगा, समान एल्किल समूह उपस्थित है तो क्या होगा, उपस्थित रहने पर क्वथनांक निम्न क्रम में बढ़ेगा, तो यह मैंने अभी बताया। एक बात और, यही बात यहां पर लिखा हुआ, यही बात यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने समझा क्या, RCl RBr, तो इस तरह से यह बढ़ते जाएगा, यानी कि अगर मैं आप फ्लोराइड भी ले लूं तो इसके तुलना में इसके क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। पार्श्व श्रृंखला बढ़ने से क्वथनांक घटता है, मतलब यहां पर आप देखिएगा CH3 CH2 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 Br की तुलना में, इसकी क्वथनांक की तुलना में इसका क्वथनांक कम होगा, चार कार्बन वाला ही है CH3 CH, इसका क्वथनांक कम होगा, यानी पार्श्व श्रृंखला सीधी चेन में है और जबकि इसमें पार्श्व श्रृंखला आ जाती है, जितनी अधिक पार्श्व श्रृंखला आएंगी उसका क्वथनांक घटते जाएगा, अणु संरचना छोटी हो जाती है जिसकी वजह से उनके बीच का आकर्षण, उनके बीच का जो एक क्लोज पैकिंग है वो कमजोर पड़ जाता है और इस तरह से उसके उलझन खत्म हो जाते हैं और ये इस तरह से अलग हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, संरचना स्ट्रक्चर कम होने के, छोटा होने से उनके बीच आकर्षण कम हो जाएगा और वो गैसीय अवस्था में आने लग जाता है। फिर बात करते हैं एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने से भी बढ़ता है। अब मान लेते हैं मैंने कहा यहां पर CH3Cl की तुलना में क्वथनांक होगा अधिक CH2Cl2 का, इसी तरह से CHCl3 का अधिक होगा और CCl4 का अधिक होगा। हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनके क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है। यह हुआ सभी चीजें, विलेयता की बात करता हूं मैं, यह जल में अविलेय है क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत परमाणु के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो यहां पर जल में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बना सकते हैं। ये कई अलग अलग अणु हैं, देखिए जल के, ये कई जल के अणु हैं और ये अणु आपस में जुड़े हैं भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये डैश डैश लाइन से दिखा रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो जुड़े हुए हैं। अब ये बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं,
नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मेरे पास है ये मिथाइल क्लोराइड, तो आप देख रहे हो क्या, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व भाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ अगर जुड़ा होगा, कौन, हाइड्रोजन, इससे डायरेक्ट जुड़ा होगा हाइड्रोजन, तभी जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है, जो कि यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें तो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, घनत्व आप याद रखिएगा, घनत्व के बारे में कि हैलोजन परमाणु से देखो आर एफ की तुलना में आर सी एल का घनत्व अधिक होता है, आर बी आर का घनत्व अधिक होता है और आर आई का घनत्व उससे ज्यादा होता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात होगी घनत्व के बारे में, हैलोजन परमाणु के बढ़ने पर भी घनत्व बढ़ता है, CH3Cl की तुलना में CH2Cl2 का घनत्व अधिक होगा, CHCl3 का घनत्व अधिक होगा, उससे ज्यादा CCl4 का घनत्व अधिक होगा। ये ध्यान रखिएगा। हम आने वाले टाइम पे रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में हम ये सारे रासायनिक गुणों को हम पढ़ने वाले हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया बहुत इजी है। मुझे यह बताओ, अभी पोल करो बच्चों को कि ये सीखने के लिए कितने बच्चे तैयार हैं। याद रखना बच्चा, जिन बच्चों ने हेलो एल्केन पढ़ लिया ना, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाता है उनके लिए। जिन्होंने हेलो एल्केन नहीं पढ़ा ना, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना टफ हो जाता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो छोड़ डालता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने बच्चे इन सारी चीजों को पढ़ना चाहेंगे। इसमें क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म भी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं। सीखने का मन है तो सीखोगे, नहीं सीखने का मन है यार छोड़ यार, क्या पढ़ना भाई, है ना, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के सबको मन है, सीखने का मन नहीं है। तो ऐसे में थोड़े आगे बढ़ोगे भाई, आगे बढ़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत को आपने दोस्त नहीं बनाया तो आप कुछ भी कर लो यार, जिंदगी में तरक्की है ही नहीं है। ऐसे मार्क्स आ जाते तो कोई भी आदमी मार्क्स ले आता, ऐसे ही आदमी कोई नंबर ला के पास हो जाते हैं, टॉपर बन जाता। आप क्या सोचते हो कि वो जो बच्चा टॉपर है वो उसने मेहनत नहीं किया है? यहां पे जो बच्चा बताता है कि मेरा 93 है, 95 है, 99 है, 100% मार्क्स है, आपकी हमारी केमिस्ट्री में आपने जो सर पढ़ा है, मैंने यूट्यूब से पढ़ा, मैंने पेड कोर्स से पढ़ा, जो भी कहते हैं, क्या वो बेवकूफ है? उन्होंने कभी मेहनत, बिना मेहनत को उसका आ गया? उसने कहा है मैंने पढ़ा है सर आपसे। तो ये आपको करना होगा, जब तक ये नहीं करोगे ना, कुछ भी कर लो, रोज नया टीचर ढूंढो, रोज नए टीचर से पढ़ते रहो, आप एक दिन ऐसे आएगा कि आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि आपने सीखने का प्रॉपर तरीका नहीं अपनाया, पढ़ने और आगे बढ़ने का प्रॉपर तरीका नहीं अपनाया। आपने सिर्फ यह अपनाया कि चलो कुछ भी कर लेते हैं यार, देख लेते हैं, एग्जाम के दिन देखेंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं एग्जाम के टाइम यूट्यूब पे जो बताते कि एक हफ्ते में 95 मार्क्स लाओगे, 95 प्लस लाओगे, एक महीने में 90 प्लस लाओगे। आज एक दिन एग्जाम से पहले एक दिन अगर तैयारी करोगे, दिन भर यूट्यूब में टिका रहता है बच्चा। अरे भाई, एग्जाम के टाइम पे यूट्यूब पे नहीं टिकने का, याद रखना। पढ़ने वाले का बच्चा होगा तो मेरी बात समझ रहा होगा, एग्जाम के दिन यूट्यूब मोबाइल वोबाइल सब फेंको एक तरफ, आपके नोट्स और आपकी पढ़ाई, यही करोगे तब आगे बढ़ोगे। ऐसे ढूंढ ढांड के कुछ नहीं होता है। किसी ने बताया मैंने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, यही आएगा 100% श्योर है, ये गैस पेपर है, ऐसे लिख लिख के भेजते हैं, थंबनेल में लिखा होता है, और आप क्या करते हो, अरे गैस पेपर पक्का आएगा भाई। एक दोस्त ने बताया यार मैंने उसका गैस पेपर देखा था, आज फंस गया, 5 क्वेश्चन मेरा उसी से फंसा है, एकदम बढ़िया बनाया भाई मैंने।
अरे वो सब चीजों में मत जाना भाई, हो सकता है बाई चांस उसका लग गया, वो आपको टाइम आपका खाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। सबसे बेहतर तरीका है कि एग्जाम से पहले एक महीने पहले से आप किसी की यूट्यूब के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन हां, अगर प्रॉपर जिसका वीडियो देख रहा हो उसी का चल रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि ज्यादा बहकावे में आकर के अपना समय बर्बाद मत करना। अपनी पढ़ाई को एक महीने पहले सेल्फ स्टडी में लेना, रिवीजन क्लासेस अगर ज्वाइन कर सकते हो तो उसका ज्वाइन करके देखना, क्योंकि वो प्रॉपर एक पढ़ाई का तरीका होता है जिस तरीके से बेहतरीन मार्क्स आते हैं। तो वो हमारा सिस्टम होता है, उस सिस्टम में पढ़ाई करो। हमने हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज के जमाने में जब ये सब मिल रहा है तो सही तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करिए, सही तरह समझने की कोशिश करिए।